हेलो एवरीवन हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी कैसे हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया जीवन आनंद में चलो तो शुरू करते बेटा हम आज की कहानी आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस ये क्लास ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर है इसका पार्ट वन करेंगे दो पार्ट में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग यस मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं फास्ट फास्टैग सीरीज है बेटा लेकिन सारी कुछ चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए सेशन का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है यस क्या बात है बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बच्चों बहुत अच्छे ठीक है शुरू करें मैं बता देता हूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लान करेंगे ठीक है तो क्या क्या चीजें हम कंप्लीट कर रहे होंगे उस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा राइट right? चलिए तो आज हम कंप्लीट करेंगे चार्ज के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टीज जैसे क्वांटाइजेशन हो गया इनवेरिएंट प्रॉपर्टी हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया उसके अलावा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया साथ ही साथ हम कॉलम्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे कॉलम्स लॉ पर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आया हुआ हूँ इस तरह से हम लोग साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चले जा रहे होंगे एक और चीज है केवल ईयर क्वेश्चन ही नहीं होंगे बेटा आज के सेशन में हम लोग और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो कि एडिशनल क्वेश्चन होंगे क्वालिटी क्वेश्चन होंगे जिनसे आपको कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प होगा ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करेंगे और आज हम डायपोल भी कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा सेशन का ड्यूरेशन लंबा होगा उम्मीद करता हूं आप सब लोग साथ देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चल रहे होंगे एक और गुड न्यूज आपको बता दो बेटा ठीक है नीट यूजी के डेट्स अनाउंस हो गए हैं और एन अकेडमी ने आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर निकाला है वो ये 22 दिसंबर तक क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होने वाला है 22 दिसंबर को शुरू होने वाला है महासंग्राम बैच वो अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर होगा आप सारे लेजेंडरी एजुकेटर्स यहां पर देख सकते हैं आप एम एस लाइव कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन को प्लान करेंगे तो आपको यहां पर चार महीने के सब्सक्रिप्शन में एक महीने का एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी अन अकेडमी पर छह महीने से कम का सब्सक्रिप्शन नहीं था लेकिन अब चार महीने का एक्सक्लूसिव नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर बनाया हुआ है ठीक है तो प्लस की प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग सोलह हजार में मिल रहा है और आइकोनिक यहां आप पर आपको लगभग तेईस हजार में मिल रहा है कोड आप यूज कर सकते हैं एमएस लाइव ठीक है चलिए जी शुरू करें बच्चों एक बार फटाफट से चार्ट सेक्शन में बहुत सारे दिल बना दो और थम्स अप्स कर दो सेशन को लाइक कर दो फिर हम शुरू करते हैं नोट्स आप लोगों को साथ साथ बनाने हैं मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं इस पूरी फास्ट ट्रैक सीरीज में किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है ठीक है तो आप सब लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा ठीक है सब लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज दिस इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर यह क्या होता है बच्चों एक तरह की एक प्रॉपर्टी है कहानी शुरू हो चुकी है प्रॉपर्टी असोसिएटेड प्रॉपर्टी असोसिएटेड विथ मैटर किसके साथ है मैटर के साथ, साथ. यानी कि एक बात स्पष्ट है जहां चार्ज होगा वहां मास का होना बेहद जरूरी है लेकिन मास कैन बी देयर विदाउट चार्ज बच्चों ठीक है इट इज अ प्रॉपर्टी असोसिएटेड विथ मैटर जिसकी वजह से मैटर यहां पर आपको बताता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बेटा कोई भी मैटर अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आपको शो कर रहा है ये दो तरह के होते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्ज बच्चों एक हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, चार्ज और एक को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज ठीक है अब आप लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा हुआ होता है ठीक है किसी भी एटम की अगर हम बात करते बच्चों कोई भी हमने यहां पर लिया एटम एटम के पास तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं हम सभी लोग जानते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बेटा एक होता है प्रोटॉन एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों ये नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज का वैल्यू जीरो होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है मैंने कहा ना कि चार्ज अगर है तो मास जरूरी होगा वहां पर लेकिन मास कैन बी देयर विदाउट चार्ज बेटा इसीलिए तो हम कहते हैं कि वहां पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे न्यूट्रॉन यहां पर यह बात करता है ठीक है एवरीवन चलो क्लियर दिख रहा है सब लोगों को है ना मैं भी साथ साथ देखते जा रहा हूं बेटा हाँ जी पूरा कोर्स कंप्लीट होगा इसी तरह से होगा डिटेल में होगा सुबह सात से दस का समय होगा बेटा ठीक है आपको नोट्स बनाना है नोट्स में भी आपको शेयर करूंगा और वो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे अलोंग विथ डीपीपी टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर माही सर आपको मिल जाएगा बेटा ठीक है चलो है ना जी यहां तक बात होगी अब अगर हम बात करें सर पॉजिटिव चार्ज की तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, चार्ज स्मॉलेस्ट अगर कोई आपसे पूछे तो बताता हूं अभी आप लोगों को यहां पर मैंने सी क्यों लिखा इसी वजह इसी तरह से अगर बच्चों आप यहां पर बात करोगे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज क्या बात करोगे बच्चों स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज क्या होगा छोटा से छोटा तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन और वो होगा माइनस का में 10 19 ठीक है? क्या होता है? चलो थोड़े से इसके बारे में बात कर लेते हैं की अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहां पर हमें डालना है, है बच्चों SI की अगर हम बात करेंगे कौन सी यूनिट बच्चों SI तो SI को हम कहते हैं कुलाम एसआई SI यूनिट हम क्या कहते हैं बच्चों यहां पर कोलाम मिस्टर कोलाम जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए कोलाम्स लॉ दिया उनको ऑनर देने के लिए हमने चार्ज की एसआई SI यूनिट को कोलाम कहा है क्या कहा है बच्चों कोलाम कहा है वन कोलाम इज डेफिनेटली यहां पर क्या होगा बच्चों तो वन कोलाम इज इक्वल टू यहां पर वन एम्पियर इन में वन सेकेंड होता है ये कैसे पता लगाया तो क्लास टेंथ में आप लोगों ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी आई इज इक्वस टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम बेटा आई इज इक्वस टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इस I को हम मेजर करते हैं एम्पियर में टाइम को हम मेजर करते हैं बच्चों सेकेंड में तो अगर इस Q की वैल्यू वन कर दे हम तो ये करंट की वैल्यू वन होनी चाहिए सेकेंड की वैल्यू वन होनी चाहिए वहां से हमें वन कोलाम पता चलता है ठीक है सो वन कोलाम इज इक्वस टू वन एम्पियर इन टू वन सेकेंड कोलाम्ब का अगर आप यहां पर बनाओगे कि भाई कोलाम्ब का डायमेंशन क्या होना चाहिए बच्चों तो कोलाम्ब का डायमेंशन होगा कोलाम्ब का डायमेंशन होगा एटी कोलाम्ब का डायमेंशन क्या होगा बच्चों एटी होगा ए एम्पियर है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है टी टाइम है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है राइट right, जी यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है है ना मैं कहूंगा बेटा आप लोग रिफ्रेश करें एक बारी क्योंकि मैं पूरा फीड आपका यूट्यूब का लेकर चल रहा हूं साथ साथ ठीक है मुझे भी पूरी तरह से क्लास नजर आ रही है आप लोगों की तो हंड्रेड परसेंट मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है ठीक है तो बताइए एक बार सभी कुछ परफेक्ट है ना बच्चों बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं ठीक है थेके? चलो और बड़ा लिख देते हैं यहां तक सारी बातें क्लियर है बहुत बढ़िया स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना है स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज कितना है? इसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे बच्चों ऐसा तो यूनिट तो क्लियर हो गया लेकिन यहां पर आता है आपका सीजीएस यूनिट बच्चों कौन सा यूनिट आता है सीजीएस यूनिट यानी कि अब हमें यहां पर MKS में नहीं सीजीएस में बात करना है और जब आप सीजीएस में बात करोगे तो यहां पर होता है ESU यूनिट क्या होता है बच्चों ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और वन ई एस यू याद रखना है आपको बचो वन ई एस यू इज इक्व इंटू में आपको याद नहीं है कभी किसी सवाल में मान लीजिए यूनिट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दे दिया गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे तो यहां तक सबको क्लियर है ठीक है जी कैन आई गेट सम हार्ट फटाफट से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मेटर विदाउट मेटर चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज मेटर कैन एग्जिस्ट न्यूट्रल बॉडीज आर दी एग्जाम्पल्स बेटा ठीक है दो तरह के चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव प्रोटॉन पर चार्ज है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ठीक है उसके अलावा बच्चों यहां पर हमने यूनिट के बारे में बात करी यूनिट होता है कोलाम्ब में और यूनिट होता है एएसयू में एएसयू और कोलाम्ब का रिलेशन भी हम लोगों ने यहां पर अच्छे से समझ लिया इतनी बातें आपको पता चल गई तो ये बढ़िया बात है ठीक है अच्छा कुछ बातें मैं आपको और बता दूं आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है नाइन पॉइंट वन इंटू में टेन रेस टू दी पावर माइनस थर्टी वन के जी पता होना चाहिए बच्चों क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं ठीक है और दूसरा यहां पर मास ऑफ प्रोटोन की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एटीन टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हैवी एंड वेरी मैसिव बेटा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन लगभग कितना 1800 गुना ठीक है और अगर आप यहां पर बात करेंगे तो सर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग सेम होगा देर इज नो डिफरेंस ठीक है फुल फॉर्म ऑफ ई इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में फिर से बता देता हूं फुल फॉर्म ऑफ ई एस यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बेटा ठीक है क्लियर है सब लोगों को बहुत बढ़िया ठीक है जहां कहीं मेरी वजह से छुपेगा मैं साइड हो जाऊंगा आप नोट कर लीजिएगा ये नोट्स मैं आपके सारे साथ शेयर कर दूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर है चलिए थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं है ना ओके वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होगा ठीक है अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर जाने से पहले एक छोटा सा यहां पर यहां पर पर पॉइंट और बेटा क्या करते हैं सर लाइक like चार्जेस की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे सर जो लाइक like चार्जेस होते हैं लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर क्या करते हैं बच्चों लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों रिपेल इच अदर और अगर अनलाइक चार्जेस हैं कैसे चार्जेस है बच्चों अनलाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे सर अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं सर अट्रैक्ट ईच अदर ओके क्लियर है मने कि अगर प्लस प्लस है प्लस प्लस है एक दूसरे को धक्का देंगे माइनस माइनस है तो एक दूसरे को धक्का देंगे लेकिन अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ठीक है अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे लो, वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी सबको बात समझ में आ रही है हाँ जी टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे बच्चों देखो मैं आपको एक बात बताता हूं अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आपका पूरा फोकस कंटेंट कंज्यूम करने पर होना चाहिए क्लास पर आपका ध्यान होना चाहिए ठीक है भाई आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स ये भी मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा रिवीजन प्रॉब्लम्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बहुत डिटेल में आपके लिए काम किया हुआ है तो बस आप नोट करते चले जाएं सीखते चले जाएं मेरा फोकस ये होगा कि आप बेटर सीखें और मैं ये चाहूंगा कि आपका ध्यान चैट से हटकर यहां आ जाए हाँ मेरी नजर चैट पर है कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो मैं कोशिश करूंगा वन वे कम्युनिकेशन ना होकर टू वे कम्युनिकेशन हो आप मुझे लिख कर बताए ये वाली बात समझ में नहीं आई भैया दोबारा बता दीजिए मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको वो दोबारा बता दू हालांकि ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ठीक है सबसे पहली हेडिंग डालेगी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर जो हमें पढ़नी है बच्चों दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी अगर हो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास एक बॉडी है राइट right? ये रही एक बॉडी इस बॉडी में कुछ अलग अलग चार्जेस है मान लीजिए Q1 वन इज इक्व टू टू कॉलम है Q2 टू इज इक्वस टू माइनस वन कॉलम्ब है Q3 थ्री इज इक्वस टू हमने यहां पर बोल दिया थ्री कॉलम है ऐसे अलग अलग चार्जेस हमने कहे ठीक है तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है एडिटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपको नेट चार्ज कैलकुलेट करना आप सिंपली लिखेंगे क्यू वन प्लस लिखना है क्यू टू और प्लस आपको लिखना है क्यों थ्री सिंपली अल्जेब्रिकली आप लोगों को ऐड कर देना है प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो आपका चार्ज है ना ये स्केलर क्वांटिटी बेटा चार्ज क्या है आपका चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए चार्ज कैसी क्वांटिटी बच्चों चार्ज आपकी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं यहां पर लिखूंगा Q1 की जगह कितना बच्चों Q1 की जगह लिखूंगा टू कॉलम Q2 की जगह लिखूंगा मैं प्लस करके माइनस वन कॉलम Q3 की जगह लिखूंगा बच्चों मैं यहां पर थ्री कॉलम अब आप देख रहे हैं टू प्लस थ्री बिकम फाइव माइनस वन तो आंसर आएगा मेरा यहां पर फोर कुल आया सबको समझ में तो एडिटिव प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल चार्जेस विथ देयर साइन एड हो जाते हैं प्लस है तो प्लस हो जाएंगे माइनस है तो माइनस हो जाएंगे ठीक है मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक चार्ज माइनस थ्री है एक चार्ज माइनस वन है टोटल चार्ज कितना होगा माइनस थ्री माइनस वन दोनों एड हो जाएंगे माइनस फोर होगा ठीक है समझ आया बच्चों क्लियर है जी बहुत बढ़िया अब यहां तक बात समझ में आ गई दूसरी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अब मैं एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चलूंगा ठीक है जब आप क्लास ले रहे हैं, तो यहीं पर ध्यान रखा जाएगा ठीक है अब यहां पर एनसीईआरटी का क्या कहना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड और क्या न्यूमेरिकल बन सकता है क्या थ्योरेटिकल अच्छा सवाल बन सकता है, ये कहता है कि मान लीजिए आपने पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम माना पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम माना तो वो कहता है कि क्यू इनिशियल इज इक्व टू क्यू फाइनल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी बेटा बात क्या हो सकती है बात ये होगी कि यहां पर लिखा जाएगा चार्ज कैन नॉट बी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड जैसे आप पढ़ते हैं ना एनर्जी के बारे में चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है इनिशियल चार्ज इज इक्वस टू फाइनल चार्ज बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है एक लॉ निकल कर आता है जिसे ध्यान रखना है इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा बराबर बराबर होंगे चाहे जो कुछ आप कर रहे हैं इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं लेकिन अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है ठीक है क्वेश्चन यहां पर हम जनरेट करते हैं क्वेश्चन ये है इज इट पॉसिबल क्वेश्चन ये बच्चों इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल अगर मुझे चार्ज पार्टिकल बनाने हो और उन्हें खत्म करने हो तो क्या यह संभव है मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से येस और नो में आंसर करना आपको ठीक है अगर मैं कह रहा हूं कि क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट मेरा सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि क्या मैं किसी चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकता हूं क्या मैं किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं कुछ बच्चों का आंसर यस आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर नो आ रहा है अब इसे थोड़ा समझते हैं मैं बात कर रहा हूं बेटा चार्ज पार्टिकल की किसकी बात कर रहा हूं चार्ज पार्टिकल की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ज इट बेटा मैं चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं ठीक है आप लोग पढ़ेंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम जाएंगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे एक पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं गामा पार्टिकल कौन से पार्टिकल बच्चों गामा पार्टिकल और ये जो गामा पार्टिकल होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं कैसे होते हैं बच्चों गामा पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं समझना एक पार्टिकल है जो न्यूट्रल है अब इस न्यूट्रल पार्टिकल को अगर आपने 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया गर्म किया किसी भी तरह से आपने एनर्जी दिया इसको तोड़ने की कोशिश करी तो जब ये टूटा ये टूटा तो आपको यहां पर बहुत ही गजब का स्टेटमेंट देखने को मिला वो क्या है देखिएगा जरा यहां पर बना एक पॉजिट्रॉन और यहां पर बना बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या बना एक पॉजिट्रॉन बना एक इलेक्ट्रॉन बना इसके पास जो चार्ज है वो क्या है यहां पर ये है बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना क्या है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज कितना माइनस का वन पॉइंट है ना माइनस का में 10 19 कुलाम। और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस क्या है क्योंकि जब आप इसके चार्ज की बात करेंगे तो इसके पास चार्ज होगा प्लस का 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू मै टेन रेस्टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है तो अगर चार्ज इसके पास प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है तो फिर हम इसे एक नया नाम क्यों कह रहे हैं प्रोजिट्रॉन हमने क्यों कहा तो पॉजिट्रॉन क्यों कहा बच्चों इसको समझो जरा पॉजिट्रॉन कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो एम ही है बच्चों और इसका भी जो मास होगा मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो मास ऑफ पॉजिट्रॉन होगा वो भी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा वो भी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटॉन है ये पॉजिट्रॉन है मतलब समझना कि जो पॉजिट्रॉन है उसके पास चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर होगा लेकिन उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ये समझ में आनी चाहिए राइट क्लियर है तो यहां पर आपने क्या देखा सर एक तरह से यह क्या है पॉजिट्रॉन चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज्ड पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो मैंने न्यूट्रल बॉडी को ब्रेक करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बना लिए अब इन्हीं को वापस से अगर मिलाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी तो चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था इस क्वेश्चन का आंसर था यस इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों यस संभव है चार्ज्ड पार्टिकल को क्रिएट भी करना संभव है चार्ज्ड पार्टिकल को डिस्ट्रॉय भी करना गेटिंग माय पॉइंट और नॉट अभी आपको और समझाते हैं क्वांटाइजेशन में जाएंगे वहां पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को भी ब्रेक किया जा सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चलते हैं अभी यहां तक समझ में आया चार्ज इनिशियल इज इक्व टू चार्ज फाइनल लेकिन चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना संभव है इज दैट क्लियर बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं चलो आपको यहां पर ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास एक स्फीयर है बेटा और हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है और दोनों स्फीयर न्यूट्रल है दोनों स्फीयर कैसे हैं जी दोनों स्फीयर न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास है उतने ही इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या है बच्चों इक्वल है तो न्यूट्रल कहेंगे मैंने क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर है अब हमने क्या किया ध्यान से सुनिएगा अब हमने ये किया कि एक स्फीयर वन से स्फीयर टू में स्फीयर वन से स्फीयर टू में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए क्या कर दिए बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे स्फीयर वन से यहां पर क्या होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी एवरीवन अरे बोलो हाँ या ना इसके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड अगर किसी के पास नेगेटिव कम हुआ मतलब पॉजिटिव एक्सेस हो गया तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बता रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिवली हो गया और इसके पास अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो गया यहां पर हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि चार्ज बॉडी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एज वेल ठीक है समझ आया सभी लोगों को यस yes. वेरी गुड बच्चों आराम आराम से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब अगली प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत काम आएगी ठीक है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बच्चा और उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन क्या कहते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे गिना जा सके उसे हम क्वान्टाइज कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों क्वानाइज्ड कहते हैं सुनना ध्यान से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट और दो तरह की चीजें होती हैं आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं डिस्क्रीट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और क्वॉन्टिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रीट का मतलब होता है जैसे आप एक कटोरी में पानी डालो और एक एक बूंद पानी डालो तो ये डिस्क्रीट हो गया और आप एक कटोरी में पानी डालो गिलास से सीधा ऐसे फ्लो बनाते हुए तो अगर गिलास में से पानी फ्लो बनाते हुए गिर रहा है वो कॉन्टिन्यूस हो गया और एक एक ड्रॉप अगर डाल रहे हो तो वो डिस्क्रीट हुआ एक एक ड्रॉप को गिना जा सकता है एक एक ड्रॉप को गिना जा सकता है ठीक है लेकिन अगर डायरेक्ट पानी डालोगे तो कितनी बूंद पानी कटोरी में हुआ थोड़ा सा? थोड़ा और अलग तरीके का कराते हैं जाओ जरा ठीक है कुछ बच्चे जो मुझसे पहले पढ़ रखे वो जानते हैं कि अब सर यहां पर एग्जाम्पल क्या लेने वाले यहां पर आपके पास है बच्चों रूम नंबर वन यहां पर क्या बच्चों रूम नंबर वन और इस रूम नंबर वन में कुछ लोग खड़े हैं क्या खड़े हैं बच्चों कुछ लोग खड़े हैं देखो एवरी कितने लोग खड़े हैं मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा मुझे बताइए नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे नंबर ऑफ पीपल यहां पर कितने होंगे कम ऑन एवरीवन नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इस कमरे में आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से बकेट वाला एग्जांपल नहीं बकेट वाला एग्जांपल तो वो शेयरिंग ऑफ चार्जेस में आता है अभी नहीं आएगा वो भी आने वाला है चार वेरी गुड आपने क्या कहा नंबर ऑफ पीपल तो आप यहां पर कहेंगे सर फोर पीपल क्या कहेंगे बच्चों फोर पीपल फोर पीपल का मतलब है सर फोर इन टू वन पीपल कैन आई से लाइक दिस बच्चो फोर इन टू वन पीपल एक तरह से ये वन पीपल मेरे लिए क्या काम कर रहा है ये वन पीपल मेरे लिए यूनिट का काम कर रहा है यूनिट का काम कर रहा है और इसी यूनिट को हम क्वांटा कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों क्वांटा क्या कहते हैं इसको सिंपल भाषा में फिजिक्स सिंपल भाषा में यूनिट कहते हैं फिजिक्स की भाषा में से कहते हैं। कितने लोग हैं चार लोग सेम कमरा, सेम कमरा, क्या यहां पर सेम कमरे में हुआ यूं कि एक बच्चा पहुंच गया बेटा वही रूम नंबर वन लेकिन अब हुआ यहां पर क्या एक बालक यहां पर पहुंच गया ठीक है कौन पहुंच गया बच्चों एक बालक पहुंच गया एक बालक पहुंच गया ठीक है कोशिश करिए मैंने उसको घुटने पे बिठाने की मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती लेकिन चीटी जैसे लग रहा है आपको है ना आप समझिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है अब बताइए इस कमरे में नंबर ऑफ पीपल क्या है बेटा अब बताइए नंबर ऑफ पीपल इन दिस रूम अब बताइए नंबर ऑफ पीपल इन दिस रूम बालक छोटा सा इन्फेंट जो घुटने चल रहा है यस जवाब आया सर फाइव पीपल क्या आंसर आया बच्चों आप लोगों का फाइव पीपल फाइव पीपल का मतलब अगेन फाइव इंटू वन पीपल अच्छा किसी ने क्या यहां पर आंसर ऐसा करोगे कि, कि सर ये सवा चार हो सकता है या साढ़े चार हो सकता है इज इट पॉसिबल सवा चार साढ़े चार क्या ये संभव हो सकता है अगर कोई आपसे ये कह दे अगर कोई आपसे ये कि ध्यान से सुनना बच्चों कोई आपसे ये कहे कि नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल ध्यान से सुनना क्या लिख रहा है बच्चों नंबर ऑफ पीपल इज इक्व टू थ्री बाई टू कितने people three by two. Three by two का मतलब है वन पीपल पूरा एक व्यक्ति पूरा और एक आधा व्यक्ति एक व्यक्ति पूरा और एक आधा व्यक्ति देखो जरा यहां पर एक बंदा पूरा और एक आधा आधा यहां पर जैसे ही आपने लिखा आप बोलोगे नॉट पॉसिबल आप यहां पर क्या लिखोगे बच्चों आप यहां पर लिखोगे नॉट पॉसिबल व्यक्ति कभी भी आधा नहीं हो सकता ठीक है चाहे उसकी फुल बॉडी हो चाहे ना हो अगर वो अलाइव है अगर वो जिंदा है उसे हमें वन पर्सन काउंट करना होगा बिल्कुल उसी तरह से बच्चों आपको एक छोटा सा ज्ञान यहां पर देते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये लिस्ट वैल्यू होती है क्या होती बच्चो? है बच्चों ये लिस्ट वैल्यू है लिस्ट वैल्यू है जैसे आप पीपल को हाफ नहीं कर सकते वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को बाई थ्री नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को बाई फोर नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकते बच्चों आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते यह कहा, कहा जा रहा है ठीक है एवरी वन समझा यहां तक समझा तो अब बच्चों क्वांटाइजेशन आसान हो गया समझना अब क्वांटाइजेशन क्या हो गया बच्चों आसान हो गया जैसे नंबर ऑफ पीपल में आपने यहां पर फोर कहा फोर एक इंटीजर है नंबर ऑफ पीपल में यहां पर आपने फाइव का, फाइव एक इंटीजर है तो पीपल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा वन टू टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन करोड़ हमेशा वो नंबर कैसा होगा एक इंटीजर होगा उसी तरह से बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी है और इस ऑब्जेक्ट और बॉडी में से आपने मान लीजिए क्या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए बेटा क्या निकाले आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए इलेक्ट्रॉन्स निकाले इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो ये बॉडी कैसा होगा ये बॉडी होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो इसके पास कितना चार्ज होगा तो आपको लिखना होगा ना आपको लिखना होगा Q इज इक्व टू यहां पर प्लस ये होगा एन इंटू मे ई और यहां पर यह n क्या होना चाहिए बच्चों मस्ट बी इंटीजर कैसा होना चाहिए सर मस्ट बी इंटीजर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी लिया आपने कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी लिया और उस ऑब्जेक्ट और बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो वो ऑब्जेक्ट और बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा कैसा चार्ज होगा बच्चों नेगेटिवली चार्ज होगा और उसके पास जब चार्ज लिखोगे तो वो आएगा माइनस एन ई और जहां पर एन क्या होगा मस्ट बी इंटीजर क्योंकि अगर इंटीजर नहीं हुआ एन इंटीजर नहीं हुआ तो तुम क्या लिखोगे तुम लिखोगे क्यू इज इक्वस टू मान लीजिए आपने लिखा यहां पर फाइव बाई फोर ई फाइव बाई फोर ई का मतलब है एक ई e पूरा और एक यहां पर ई e जो है वो वन बाई फोर्थ है वन बाई फोर्थ इज नॉट पॉसिबल वन बाय फोर्थ ऑफ ई इज नॉट पॉसिबल इसलिए क्वांटाइजेशन कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो होगा प्लस माइनस एन ई हमेशा कैसा होगा बच्चों प्लस माइनस एन ई होगा एंड एंड मस्ट बी एन इंटीजर हमेशा वो इंटीजर होना चाहिए क्योंकि जैसे किसी पीपल को आप हाफ नहीं कर सकते वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते पीपल को वन बाई थर्ड नहीं कर सकते वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को भी वन बाई थर्ड नहीं कर सकते समझ आया बच्चों क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस इन वेरी सिंपल लॉजिक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ठीक है क्लियर है सब लोगों को यस yes बच्चों बहुत बढ़िया अब मैं आप लोगों से एक सवाल करवाता हूं ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि टू पॉइंट जीरो इन टू मे टेन रेस्ट टू दावर माइनस नाइनटीन कॉलम ठीक है इज दिस चार्ज पॉसिबल इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी के पास अगर यह चार्ज है तो क्या यह संभव है जल्दी बताइए 2.0 पॉइंट जीरो इंटू मै टेन रेस्ट टू दावर नाइनटीन कॉलम क्या यह वैल्यू संभव है आंसर चाहिए जल्दी से कुछ बच्चे यस कह रहे हैं कुछ बच्चे नो कह रहे हैं जल्दी बताइए क्विकली नो यस यस और नो no, दोनों चीजों में हम फंसे हुए अब चलो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे जो बच्चे यस कह रहे हैं वो शायद यह देख रहे हैं कि सर टू तो इंटीजर है जो बच्चे यस कह रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये तो इंटीजर है और आपने ही तो कहा कि अगर इंटीजर हो तो संभव है इंटीजर है तो संभव है लेकिन बच्चों समझो ये टोटल चार्ज का वैल्यू है ये पूरा का पूरा क्या है चार्ज है तो कैसे बनाएंगे इधर आओ आपको लिखना पड़ेगा सर क्यू इज टू एन ई

चार्ज क्या कहते हैं बच्चों इसको क्वांटा ऑफ चार्ज कहते हैं एक तरह से यूनिट की तरह काम करता है ठीक है तो यहां से जब आप देखोगे तो टेन स्क्वायर माइनस नाइनटीन माइनस नाइनटीन कैंसिल हुआ एन का वैल्यू जब आपने सॉल्व किया टू पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स यानी कि ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटीन आ रहा है ये फाइव बाई आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल बेटा तो आपको क्या लिखना था क्या ये पॉसिबल है तो जवाब आएगा नॉट पॉसिबल क्या जवाब आएगा बच्चों नॉट पॉसिबल आपको ये करेक्ट आंसर करना था कुछ बच्चों ने यस कहा अब उन्हें बात समझ में आई होगी कि कैसे यहां पर काम बन रहा होता है ठीक है अब मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछता हूं जरा ये बताओ कैलकुलेट करके अगर मैंने लिखा एट पॉइंट जीरो इन टू में टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन कोलम इज दिस पॉसिबल पॉसिबल और नॉट बच्चों ये वाला चार्ज आपका पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल और नॉट जल्दी बताओ टू पॉइंट एट पॉइंटीन क्या यह संभव है फिर से लॉजिक लगाओगे क्या लॉजिक लगेगा सर Q इज इक्वस टू एन ई क्यू की जगह क्या रखोगे सर 8.0 पॉइंट जीरो इंटू में टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस नाइनटीन इज इक्वस टू एन का वैल्यू निकालना है दैट वुड बी वन पॉइंट सिक्स इंटू में टेन रेस्ट टू दाइनस नाइनटीन कुलाम ओके okay? तो अब आपको यहां पर पता चला कि सर ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए एन का वैल्यू आ रहा है 8.0 1.6 कैंसिल आउट किया, ये आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 16 सॉल्व करने पर एन का वैल्यू आ रहा है फाइव और फाइव पॉसिबल है तो यहां पर जवाब क्या आएगा बच्चों पॉसिबल है, यस, वेरी गुड बहुत बढ़िया लेकिन अब अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं और यह कह दूं कि बच्चों मुझे यह बताओ कि अगर यह नंबर 8.0 पॉइंट जीरो इंटू मै टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस ट्वेंटी हो तो यह पॉसिबल और नॉट यह वाला संभव है या नहीं यह वाला संभव है या नहीं यह बताइए 10 रेस टू दि पावर क्या कर दिया बस मैंने माइनस ट्वेंटी कर दिया बस इतना सा गेम किया 10 रेस टू दि पावर माइनस नाइनटीन की जगह 10 रेस टू रेस्ट पावर माइनस ट्वेंटी कर दिया अब यह पॉसिबल है या नहीं यह छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा क्विकली जल्दी बताओ नो, नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि जब आप यहां पर कैलकुलेशन करोगे एन का तो वैल्यू क्या बनेगी वैल्यू बनेगी सर 8.0 पॉइंट जीरो इंटू मै टेन रेस्ट टू दावर माइनस ट्वेंटी और नीचे आएगा आपके पास 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू मै टेन रेस्ट टू दावर माइनस नाइनटीन ये नंबर बनेगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 16, लेकिन यहां पर एक 10 रेस्ट टू दावर माइनस टेन बच जाएगा तो आपका आंसर तो आता लेकिन आंसर आ रहा है फाइव डिवाइडेड बाई टेन और फाइव डिवाइडेड बाई टेन का मतलब एन का वैल्यू वन बाई टू इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल तो छोटे छोटे चेंजेस हैं उनसे सवाल बनते हैं और यही छोटे छोटे चेंजेस डिफरेंस बड़ा क्रिएट करते बेटा इतना डिटेल में हमको पढ़ना है इतने इतमान से हमको पढ़ना है सीखना है ठीक है तो नॉट पॉसिबल समझ में आया वेरी गुड यहां तक सारी क्लैरिटी है अब एनसीआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल माइक्रोस्कोपिक पर सिग्निफिकेंट है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्या लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या है पहले वो मैं लिखता हूं फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं एनसीईआरटी का कहना है कि जो क्वांटाइजेशन है क्वांटाइजेशन जो है बच्चों अब ये असर्शन रीजन में सवाल बन सकता है क्वांटाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट क्या लिखा है बच्चों क्वांटाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट क्वांटाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन मैक्रो मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल या मैक्रोस्कोपिक स्टडी बेटा ठीक है अब इसको समझते पहले तो यह समझना जरूरी है कि सर ये मैक्रोस्कोपिक क्या है और माइक्रोस्कोपिक क्या है दो तरह की चीजें होती बेटा एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है मैक्रोस्कोपिक का मतलब है ऊपर-ऊपर से किसी चीज की स्टडी करना और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है तह तक जाकर डिटेल में जाकर स्टडी करना आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते ध्यान से सुनना बेटा है माइनस वन होगा उसी को तो मैं नीचे लेकर आ गया ना तो फाइव डिवाइडेड बाय टेन वन बाय टू हो गया ठीक है देखो यहां पर मेरे को क्या लिखना अच्छा हाँ 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 ठीक है यहां पर माइनस वन लिखना था सॉरी माइनस टेन लिख दिया मैंने चलता है जस्ट चेकिंग कि आप लोगों का सुबह सुबह ध्यान है कि नहीं ठीक है नहीं नहीं चैप्टर वन शॉट में नहीं होगा बेटा अगर चैप्टर बड़ा है तो ये लेगा दिन या तीन दिन तो उस हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे देखिए आपको बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आपको पढ़ते जाना मैं पहले ही क्लास को शुरू करते वक्त बता रहा हूं कि मैं आज क्या क्या कवर करूंगा आप बस फोकस वहां पर रखें ठीक है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया क्वांटाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल पहले ये समझे मैक्रोस्कोपिक क्या होता है मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है मैक्रो मतलब इन डेप्थ मैक्रो मतलब बच्चों इन डेप्थ एनालिसिस डेप्थ और माइक्रो का मतलब होता बच्चों ऊपर ऊपर से माइक्रो का मतलब एक तरह से क्या होता है मैंने कहा बंटी से कि क्लास में जाओ और बताओ कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बंटी गया क्लास में उसने देखा कि साहठ लोगों में से जिन्होंने चश्मा पहन रखा है वो पढ़ने वाले बाकी सब एवरेज स्टूडेंट चश्मा पहनने वाले पढ़ने वाले हैं बाकी सब एवरेज है बंटी ने आकर मेरे को ये बता दिया दस मिनट के अंदर कि कौन पढ़ने वाला और कौन पढ़ने वाला नहीं है हो सकता है बंटी की इस एनालिसिस में गड़बड़ हो क्योंकि उसने ऊपर ऊपर से जांचा है लेकिन जब चिंटू को सेम काम करने के लिए कहा तो उसने एक एक बच्चे के साथ समय बिताया क्वेश्चन पूछे एग्जाम लिया और दो महीने बाद उसने बताया कि ये ये लोग पढ़ने वाले हैं ये माइक्रो है चिंटू का किया गया काम माइक्रो है और बंटी का किया गया काम मैक्रो है समझ में आया एग्जाम्पल से बच्चों तो मैक्रो और माइक्रो क्लियर है अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं उससे क्लियर होगा मुझे बताओ एक क्वेश्चन पहले हम करते हैं उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी टू बी टेकन टू मेक अ बॉडी चार्ज्ड बाय वन कुलाम्ब अगर किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी को वन कुलाम का चार्ज करना है कितना करना है बच्चों वन कुलाम का चार्ज अगर करना है तो उस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे मैं एक ऑब्जेक्ट और बॉडी को क्या चाहता हूं बच्चों मेरे पास इस तरह की एक ऑब्जेक्ट और बॉडी है और मैं चाहता हूं इसके पास चार्ज कितना हो वन कोलाम हो मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे वो नंबर कितना होगा कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे ये एक सिंपल क्वेश्चन है कमॉन सोचो यस yes, एवरीवन अरे वाह कुछ बच्चों को तो आंसर याद था कुछ बच्चों को आंसर याद था ठीक है ओके चलिए ही ही जिरो जिरो वन ही क्यों एग्जाम्पल पे वन ही क्यों वन की जगह जीरो मान के अगर चलें तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना था concept वही लगाना था क्यू इज इक्व एन इन टू में वैल्यू आपको वन चाहिए एन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना ई e का वैल्यून पॉइंट सिक्स इंटू मै टेन रेस्टू दी पावर माइनस नाइनटीन कोलाम जब आप यहां पर करेंगे सॉल्व करने पर एन का वैल्यू आता है सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू मै टेन पावर एटीन आप समझ रहे हो टेन दी पावर एटीन इतना बड़ा नंबर आ रहा है और इतने बड़े नंबर को काउंट करना पॉसिबल नहीं है इतने बड़े नंबर को काउंट करना पॉसिबल नहीं है लंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो उसे गिनना संभव है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पॉसिबल है लेकिन मैक्रोस्कोपिक में क्या होगा बेटा लंप ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द बॉडी और जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे तो आप वहां पर उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते इसलिए लिखा है क्वांटाइजेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल बेटा ठीक है

recent studies showed proton and neutron can be can be break in their constituent particles in their constituent particles break kiya ja sakta? in their constituent particles called called. क्वाक्स क्या कहते हैं बच्चों उनको क्वाक्स कहते हैं ये नई चीज निकल कर आ रही है क्या कहते हैं इनको क्वाक्स कहते हैं जैसे एटम एटम को अगर आपने ब्रेक किया तो आपको तीन पार्टिकल मिले प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसी तरह से मैं लिख भी देता हूं बेटा जैसे हमारे पास एटम है और हमने अगर एटम को ब्रेक किया एटम के पास प्रोटॉन है एटम के पास न्यूट्रॉन है एटम के पास इलेक्ट्रॉन है ये तीन एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तीन मिलकर एटम बनाते हैं उसी तरह से उसी तरह से जो प्रोटॉन है वो और जो न्यूट्रॉन है वो क्वार्क्स में ब्रेक हुआ, किस में ब्रेक हुआ? में। जो है वो दो तरह का होता।, होता है आपका, क्या होता? एक आपका, होता है एक आपका डाउन क्वार्क होता है दो तरह के क्वार्क पार्टिकल होते हैं एक अप क्वार्क, और एक डाउन क्वार्क जो क्वार्क होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते डाउन क्वार्क है उसको डी से रिप्रेजेंट करते समझ गए अप क्वार्क को यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाउन क्वाक को डी से रिप्रेजेंट करते हैं जो अप क्वार्क है उसके पास चार्ज होगा टू ई डिवाइडेड बाय थ्री और जो डाउन क्वाक है उसके पास चार्ज होता है बच्चों माइनस का ई बाय थ्री ये देखते ही ये क्वार्क पार्टिकल के चार्जेस को देखते ही हमें यह समझ में आता है कि क्या क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है क्योंकि आपने तो कहा था कि चार्ज को वन थर्ड नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन को वन थर्ड नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन को टू थर्ड नहीं किया जा सकता तो यहां पर क्या क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है तो बच्चों समझना है आपको जरा ध्यान से सुनो ठीक है है ना क्या है यहां पर चीजों को समझो जो प्रोटोन है उसके पास चार्ज कितना बेटा तो चार्ज ऑफ अ प्रोटोन इज इक्वस टू वन ई क्या है बच्चों वन ई e. तो जैसे एटम के पास तीन पार्टिकल है वैसे ही इस प्रोटोन के पास भी एक अकेला क्वार्क नहीं होगा मल्टीपल क्वार्क पार्टिकल मिलकर प्रोटोन बना रहे होंगे तो क्या क्या संभावना है उसे सुनो जरा अगर मैं कहूं कि इसके पास एक यू है तो यू की वजह से चार्ज कितना आएगा बेटा 2e डिवाइडेड बाई थ्री फिर दूसरा अगर क्वार्क हुआ अप तो भी चार्ज कितना होगा बेटा टू ई और अगर मैं यहां पर कर दूं बेटा एक डाउन तो इसके पास आएगा माइनस का ई बाई थ्री अब तुम देखो यहां पर टोटल चार्ज तो समझ में आएगा कि सर टोटल स्टिल वन ई देखो यहाँ पर। अगर मैंने एक अपकुआग, दूसरा अपक् दोनों लिया दोनों को ऐड किया 2e बाई थ्री टू ई बाई थ्री बिकम फोर ई बाई थ्री और उसमें अगर माइनस ई बाई थ्री कर दिया तो आंसर ई आ रहा है तो बच्चों ये तीन पार्टिकल में मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं तो अभी भी देखो क्वांटाइजेशन वैलिड है ई e के साथ नंबर वन बन रहा है कितना नंबर बन रहा है बच्चों ई e के साथ नंबर वन बन रहा है तो हम बोलेंगे जो प्रोटॉन है ना उसके पास होता है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क ये सवाल आया हुआ है एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर में बच्चों ठीक है एम्स के प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यू यू डी क्या है यहां पर प्रोटॉन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन है उसी तरह से जो न्यूट्रॉन है बच्चों न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो है अब जीरो है तो उसके पास क्या होगा अब उसके पास देखो अगर मैंने कहा एक यू तो एक यू से ही टू ई बाई थ्री हो जाता है एक u से ही 2e/3 हो जाएगा तो इसके पास दूसरा d होना चाहिए जो माइनस का e/3 दे और तीसरा भी d होना चाहिए जो माइनस का e/3 दे अब ये दोनों -e/3 बिकम माइनस का 2e/3 और ये प्लस का 2e/3 राइट right? तो टोटल क्या बनेगा बच्चों टोटल यहां पर बन रहा है आपका 0 और यही तो हमें चाहिए था तो अगर हम देखेंगे न्यूट्रॉन को तो इसके पास क्या होगा एक अप क्वार्क और दो होंगे डाउन क्वार्क इज दैट क्लियर बच्चों एक होगा अप क्वार्क और दो होंगे डाउन क्वार्क समझ में आता है सभी को क्लियर है जल्दी से प्लस 18 होगा बेटा क्योंकि हमने एन का वैल्यू कैलकुलेट किया है ये माइनस नाइनटीन नीचे जाएगा डिवाइडेड में और फिर वहां से उठ के ऊपर जाता है तो प्लस एटीन होगा ठीक है तो आपको समझ में आया तो क्वाक पार्टिकल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर बेटा पार्टिकल्स किस में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा पेयर में और इसी वजह से क्वांटाइजेशन वैलिड रहेगा वो कभी भी इनवैलिड नहीं होगा बच्चों ठीक है यहां तक लॉजिक समझ में आ गया चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग किस तरह से एक ऑब्जेक्ट और बॉडी को चार्ज किया जा सकता है उस पर आते हैं ठीक है चार्जिंग ऑफ बॉडी ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का बच्चों वो है चार्जिंग ऑफ बॉडी हेडिंग डालेंगे सर चार्जिंग ऑफ बॉडी बॉडी और और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी और को जो न्यूट्रल है उसे चार्ज कैसे किया जा सकता है तीन तरह के है बेटा ब्रॉडली वैसे अलग अलग छह तरह के मैथड हो सकते हैं लेकिन तीन मैथड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे बाकी हम तीन जो है पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से हैं यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा एक होगा आपका चार्जिंग बाय रबिंग एक होगा बेटा आपका चार्जिंग बाय रबिंग और यहां पर हम बोलेंगे चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन बच्चों ठीक है बहुत डिटेल में जाकर चीजें सीखने वाले हैं दूसरा हम यहां पर बोलेंगे सर चार्जिंग चार्जिंग बाय बाय कंडक्शन कंडक्शन और ठीक है है भी समझना अपन लोगों को अच्छे से और तीसरा हमको करना है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन और बहुत लॉजिकल चीजें यहां पर बनकर सामने आएंगी चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है क्लियर है बच्चों तीन चीजें हैं पहले से शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय रबिंग ठीक है 6.25 कैसे हुआ एक बच्चे को यह समझ में नहीं आया बेटा बड़ा आसान था देखो क्या था यह वैल्यू बना एन इज इक्वस टू वन डिवाइडेड बाई 1.6 पॉइंट सिक्स टू में 10 रेस टू दी पावर ये ऊपर जाएगा 19 एक काम करो ये टेन डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो लगेगा तो अपन इसको सौ बना दें अगर तो सौ डिवाइडेड बाई सोलह और इन में आ जाएगा टेन रेस टू दावर एटीन अब बेटा हंड्रेड बाई करोगे ना तो नंबर आपके पास सिक्स आएगा ठीक है मतलब थोड़ा सा कैलसी वेलसी चला लो यार ठीक है थोड़ा कैलसी वेलसी चला लो नहीं क्लियर है जी हां जी बहुत बढ़िया क्लास सुबह सात बजे शुरू हुआ है बेटा और दस बजे तक चलेगा ठीक है बहुत डिटेल में क्योंकि हमें सारी चीजें पढ़नी है तो पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे सब हेडिंग विच इज चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय रबिंग चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ठीक है अब इस पर भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकते हैं कैसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं इसको हम समझते हैं ठीक है तो बच्चों बात ये हो रही है कि यहां पर मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिया एक हमारे पास ग्लास का रॉड है ठीक है हमारे पास ग्लास का रॉड है और एक हमारे पास इस तरह का सिल्क क्लोथ है ठीक है ये हमारे पास क्या है बच्चों ग्लास की रॉड है एग्जाम्पल एनसीआर का ही ले रहा हूं मैं, और एक हमारे पास यहां पर क्या है बच्चों सिल्क का क्लोथ है क्या है बच्चों सिल्क का क्लोथ है ठीक है हम प्लास्टिक रॉड और केट फर भी ले सकते हैं लेकिन हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ लिया अब हमने इन दोनों को आपस में क्या किया बेटा रब किया इन दोनों को आपस में क्या किया रब किया रब्ड टूगेदर तो जैसे ही आपने रबिंग शुरू करी रबिंग से क्या होगा ध्यान से सुनो जैसे अगर आप अभी अपने दोनों हाथों को अगर आप अभी दो अपने दोनों हाथों के साथ आपस में रब करोगे तो वो हाथ गर्म होंगे और जब हाथ गर्म होंगे मतलब कि वहां पर हीट डेवलप हो रही है तो वैसे ही जब आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करोगे हीट डेवलप होगी उस हीट को सरफेस इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेंगे और सरफेस इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करके क्या करते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ठीक है क्या करेंगे बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेंगे ट्रांसफर हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ UH! में ध्यान से सुनना ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में तो क्या हो रहा है बेटा यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी यहां पर क्या हो रही है बच्चों इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी हो रही है तो बॉडी बनेगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या बनेगी बच्चों बॉडी बनेगी पॉजिटिवली चार्ज उसके अलावा अगर चार्ज की बात करें तो क्यू इज इक्वस टू यहां पर क्या हो जाएगा ई -E जहां पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे अगर इसका ओरिजिनल मास M था मान लेते M1, इसका ओरिजिनल मास क्या था बेटा एम वन तो इसका नया मास क्या हो जाएगा इसका नया मास प्राइम होगा और उसको लिखा जाएगा बेटा एम वन प्राइम इज टू एम वन माइनस आपको लिखना पड़ेगा सर एन एन टू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना मास यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो वो अपने साथ अपना मास भी लेकर जाएगा ध्यान से सुनो अगर कोई बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अपने साथ वो अपना मास भी तो लेकर जाएगा और अगर वो अपना मास लेकर जाएगा तो उसका मास कम होगा बच्चों राइट right? समझ में आ रही है बात सो so, यहां पर m1 वन माइनस एन एम ई हो रहा है यानी कि आपको लिखना पड़ेगा सर यहां पर एक तरह से जो वेट है वो डिक्रीज हो रहा है वेट क्या करेगा बेटा डिक्रीजेस हालांकि वो बहुत स्लाइटली डिक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज जरूर होगा बच्चों यस और नो एवरी

क्या करेगा बच्चों वेट आपका इंक्रीज करेगा यहां पर वेट क्या करेगा बच्चों इंक्रीजेस एवरी समझ आया तो इफ योर बॉडी बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज मतलब उसका वजन कम हो रहा होगा और अगर कोई बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब उसका वजन बढ़ रहा होगा हालांकि ये वेट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत कम होता है तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस चेंज बेटा लेकिन अगर कोई सवाल पूछे तो फिर हमें यह जवाब देना है कि हां चेंज इन वेट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल कर जा रहा होगा क्या यहां तक आपको लॉजिक समझ में आ रहा है नाउ अब बात यह हो रही है कि सर पेयर ऑफ आपके पास मटेरियल है एक ग्लास है दूसरा आपके पास सिल्क क्लोथ है लेकिन यही क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्लास में से ट्रांसफर होके सिल्क में गए सिल्क में से ट्रांसफर होके ग्लास रॉड में क्यों नहीं गए राइट ऐसा सोच रहे हो आप सभी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे ना वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लोथ ओनली तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा हम सब लोग एटम के बारे में जानते हैं हम सब लोग किसके बारे में जानते बेटा एटम के बारे में जानते ध्यान से सुनिएगा ठीक है हम सब लोगों ने एटम के बारे में पढ़ रखा होता है और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के आजू बाजू यहाँ पर क्या होती है बेटा शेल्स होती है ठीक है एवरी न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होती है बच्चों शेल्स होती है इस तरह की यहाँ पर शेल्स बना लो अपन ठीक है अब अगर बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस यहां पर भी होगा इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन बेटा इसको क्या बोलेंगे सर आउटर इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना अब एक और सिस्टम ऐसा ही हम बनाते हैं एक और सिस्टम हम ऐसा ही बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे लॉजिकली तो क्लियरली समझ में आएगा आपको ठीक है एवरीवन वन वर्क फंक्शन हां बिल्कुल अब यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है और यहां पर ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है यहां पर ये क्या हो गया बेटा आपका आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया अब ऊपर वाले डायग्राम में आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बेटा ये कैसा होगा तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये आपका ना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए पड़ेगी बेटा नीड मोर एनर्जी यहां पर क्या चाहिए पड़ेगी बेटा हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है ज्यादा नजदीक है उसे बाहर निकालने के लिए वी नीड मोर एनर्जी मोर एनर्जी मतलब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा मोर वर्क फंक्शन बेटा ठीक है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सरफेस इज व्हाट वी कॉल्ड बेटा वर्क फंक्शन अब ये वाला जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर है अगर वो थोड़ा दूर है तो यहां पर आपका ये कैसा होगा बेटा लेस अट्रैक्टेड है और अगर लेस अट्रैक्टेड है तो यहां पर आप क्या लिखोगे नीड लेस एनर्जी लीड लेस एनर्जी बेटा तो यहां पर आप लिखोगे सर लेस वर्क फंक्शन होगा लेस फाई होगा तो सुनो अब यहां पर ध्यान से जब आप दो मटेरियल को आपस में रब कर रहे हो एंड दे आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उस बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा जिसका वर्क फंक्शन कम है जिसका वर्क फंक्शन कम है तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी मेरे पास पॉजिटिवली है और एक बॉडी मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है इसका वर्क फंक्शन फाइव वन है और इसका वर्क फंक्शन फाइव टू है आप बोलोगे भैया फाइव वन कम होगा फाइव टू ज्यादा होगा जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसलिए उसका वर्क फंक्शन कम होगा बोलिए यस और नो एवरी वन समझ आया सभी लोगों को हार्ट्स बना देना बेटा इतना डेप्थ और डिटेल में जाने के लिए ठीक है दिल बन जाने चाहिए आप लोगों के बढ़िया तरीके से ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तों चलो तो यहां तक लॉजिक समझ में आया अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन बेटा लेकिन उसके पहले मैं अगर आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं एक सवाल यहां पर बनाते हैं बेटा और वो सवाल पूछते हैं अ बॉडी अ बॉडी चार्ज क्या लिखा बेटा अ बॉडी चार्ज बाय फ्रिक्शन अ बॉडी चार्ज बाय फ्रिक्शन ऑप्शन से है ना अच्छा बॉडी चार्ज बाय फ्रिक्शन सवाल ऐसा बना देते इट्स वेट इट्स वेट यहां पर ऑप्शन ए इंक्रीजेस ऑप्शन बी डिक्रीजेस ऑप्शन सी में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ठीक है और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ एक बॉडी है जिसको फ्रिक्शन से हमने चार्ज किया है तो उसका वजन क्या करेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है और नन ऑफ दी अब Very good. पूरा पूरा ध्यान है आप लोगों का क्लास पर खुशी हुई बच्चों ये बात जानकर ठीक है तो जो वादा किया है आपसे कि आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकते हैं वो वो यहां यहां पर पर प्रूव हो yes no? पर प्रूव हो हो रहा रहा है 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 ठीक यस और नो क्योंकि आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं मे इंक्रीज और डिक्रीजेस सर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडी है वो कैसा चार्ज हो रहा है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेट डिक्रीज करेगा हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो वेट इनक्रीज इंक्रीज करेगा तो फंडा यहां पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है या नेगेटिव चार्ज बॉडी इस बात पर डिपेंड कर रहा है थैंक यू सो मच बच्चों मजा आ गया यार मजा आ गया ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन सेकंड मेथड जो होगी बेटा विच इज चार्जिंग सेकंड जो आएगा बेटा विच इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या आएगा बच्चों चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन इसको समझो जरा ये क्या कहना चाह रहा है इसमें क्या होता है, है। समझो बड़ी सिंपल सी बात है, हो ये रहा है कि अगर अब ये दो स्फीयर अगर है बच्चों तो यहां पर क्या होगा सुनो ये दो स्फीयर है हो सकता है इनकी रेडियस यहां पर सेम हो सकता है इनके रेडियस यहां पर अलग अलग हो हमें मालूम नहीं है एक के पास चार्ज यस कार्तिक वेट इज नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में यू हैव टू से ना भले ही वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है अगर ग्राम्स में भी डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज तो हो रहा है ना बेटा ठीक है प्रैक्टिकल पर्पसेस में फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज हम उसके वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ठीक है बट हम जानते हैं कॉन्सेप्चुअली वेट इज डिक्रीजिंग इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीजिंग इफ बॉडी चार्ज तो कॉन्सेप्चुअल आंसर करना है हमें यहां पर भावनाओं में नहीं बहना है ठीक है जो दिमाग कहे वो काम करना है दिल कहे वो काम बिल्कुल नहीं जब भी तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो और तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हें लगे कि आंसर ये होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि लगने वाला आंसर हमेशा गलत हो सकता है ठीक है चलो बच्चों तो यहां पर हम बात करते हैं सर अगर एक के पास चार्ज मान लीजिए Q1 वन और दूसरे के पास चार्ज अगर Q2 हो और इन दोनों को हमने यहां पर क्या करना बेटा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना है कैसे करना है बच्चा ये जो वायर आप यहां पर ब्लू वाला देख रहे हैं ये एक कंडक्टिंग वायर है क्या है बच्चों यहां पर एक कंडक्टिंग वायर है इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं एवरी समझे जरा रहा एग्जाम्पल से बच्चों ठीक है एग्जाम्पल से समझते हैं यार एक बात बताओ एक बाल्टी अगर इस तरह की आपके पास हो ठीक है एक बाल्टी आपके पास इस तरह की हो और दूसरी बाल्टी आपके पास इस तरह की हो ठीक है मैं दो बाल्टी यहां पर एग्जाम्पल में ले रहा हूं ठीक है और हमने क्या करना है बच्चों ध्यान से सुनना हमने इन बकेट्स को कनेक्ट कर देना है एक पाइप से हमने इन बकेट्स को क्या कर देना है बच्चों कनेक्ट कर देना है पाइप से ठीक है जैसे ही इन बकेट्स को मैं पाइप से कनेक्ट करूंगा अब पाइप से कनेक्ट किया पाइप से कनेक्ट करने के बाद में मैंने देखा कि यार यहां पर यह बाल्टी में मान लो पानी था यह बाल्टी में पानी था बच्चों ठीक है और एक बाल्टी खाली थी एक बाल्टी खाली थी सुनना ध्यान से तो जो भरी हुई बाल्टी है उसमें से पानी फ्लो करेगा पानी फ्लो करेगा और फ्लो करके खाली वाली बाल्टी में जाएगा और यह कब तक होता रहेगा जब तक दोनों में लेवल ऑफ वाटर सेम नहीं हो जाता एम आर राइट बच्चों लॉजिक समझ में आ रहा है वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर वॉटर लेवल टू वर्ड्स नो वॉटर लेवल या लो वॉटर लेवल टिल द वॉटर लेवल बिकम्स इक्वल एक बाल्टी में से दूसरे बाल्टी में पानी तब तक जाता रहेगा जब तक उनके वॉटर लेवल इक्वल नहीं हो जाते अब कितना पानी किस बाल्टी में होगा यह डिपेंड करेगा साइज ऑफ बकेट पर बेटा अगर बकेट बड़ी है, है ना यहां पर क्या होगा वॉटर इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल बेटा हायर लेवल से लोअर अब आ रहा है अब आ रहा है बच्चों नाउ नाउ अरे हां अब बताओ अब आ रहा है नाउ ओके कैन आई गेट सम हार्ट्स और थम्स अप अगर साउंड ओके है तो ठीक है आ रहा है आ रहा है ठीक है चलो बढ़िया है बढ़िया है ठीक है थैंक गॉड टेक्नोलॉजी ने कम से कम साथ दिया यहां पर ठीक है तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी लोअर पोटेंशियल बॉडी टिल टिल देयर देयर पोटेंशियल 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 क्या हो जाए बेटा बिकम्स इक्वल अपन पढ़ेंगे परसों की क्लास में ठीक है पोटेंशियल अपन पढ़ेंगे परसों की क्लास में टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल हो गया यहां तक बच्चों पोटेंशियल इक्वल वेरी गुड और दूसरी बात यहां पर आप लिखेंगे सर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे बच्चों आप यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी यस और नो एवरीवन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी अब देखो अगर चार्जेस ट्रांसफर हुए अगर मैंने इन ऑब्जेक्ट और बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया और चार्जेस ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब यह है कि इसके पास जो पहले चार्ज Q1 था अब वो Q1 नहीं रहेगा और इसके पास जो पहले चार्ज Q2 था वो Q2 नहीं रहेगा कुछ चेंज हो जाएगा यस yes, एवरीबडी कुछ चेंज हो जाएगा ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं इफ यू कनेक्ट द टू स्फीयर्स चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी कब तक होता रहेगा जब तक देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल ठीक है पोटेंशियल क्या चीज है हम आगे पढ़ेंगे अभी बस आपको यह समझना है कि पोटेंशियल कुछ तो होता है ठीक है जैसे यहां पर वॉटर लेवल है वैसे ही यहां पर पोटेंशियल है दैट्स ऑल बस इतना को रिलेट कर लो आप ठीक है एवरी वन अभी क्लियर है बच्चों साउंड क्लियर है ना और अमाउंट ऑफ चार्ज जैसे यहां पर बकेट्स के केस में आपने क्या कहा अमाउंट ऑफ वॉटर इन द बकेट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू देयर साइज उसी तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइज ऑफ द बॉडी क्लियर है यस yes, बच्चो बहुत अच्छे तो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि सर एक तो लॉजिक यह बनेगा कि क्यू इनिशियल इज इक्वस टू क्यू फाइनल और उस हिसाब से बनेगा सर क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वस टू क्यू वन प्राइम प्लस लिखना पड़ेगा सर क्यू टू प्राइम जो नए चार्जेज हैं और दूसरा एक और बात यह है कि सर क्यूब यहां पर जो होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर साइज मतलब उसका रेडियस साइज मतलब उसका रेडियस ये दो बातें अगर मुझे याद हैं तो मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा बेटा ये दो बातें अगर मुझे क्लियर हैं मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा ठीक है एवरी वन यस बच्चो बहुत बढ़िया यहां तक क्लियर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन कोई समस्या नहीं है जी, बताइए जल्दी से बताइए यहां तक क्लैरिटी है एक मिनट है ना एक मिनट बचो हां जी ठीक है तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई अब सवाल करते बेटा ठीक है सवाल करते सवाल से समझते कि ये कैसे न्यूमेरिकल में एप्लीकेबल होगा मैंने आपसे कहा आई हैव स्फीयर ठीक है और ये मेरे पास दूसरा स्पीय और दोनों स्फीयर का रेडियस दोनों स्फीयर का रेडियस क्या यहां पर आर है ठीक है दोनों स्फीयर का रेडियस समझ में आ जाएगा ठीक है सवाल समझो सवाल से समझ में आ जाएगा एक को हमने चार्ज दिया बेटा मान लीजिए सिक्स कॉलम और एक को हमने चार्ज दिया मान लीजिए जीरो एक के पास चार्ज सिक्स को है एक के पास चार्ज है जीरो ठीक है अभी आपको यह नहीं देखना है कि सर सिक्स कोलम्ब संभव है कि नहीं मैं बस न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए बोल रहा हूं या फिर एक काम करो आप इसको सिक्स कोलम्ब बोलने की बजाय इसको सिक्स क्यू बोल दो तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाए सिक्स क्यू और जीरो ठीक है अब यहां पर आपसे पूछा है कि आफ्टर कॉन्टेक्ट इनके चार्जेस क्या होंगे Q1 प्राइम और Q2 प्राइम कितना होगा यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है Q1 प्राइम और Q2 प्राइम कितना होगा बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले आपको एक काम करना है बेटा काम यह करना है कि देखो यहां पर यह Q1 है और यह Q2 है तो सबसे पहला काम करो कि कितना इनिशियल चार्ज है वो कैलकुलेट करो वो पता चलेगा सर 6Q क्यू प्लस जीरो आंसर आ गया बच्चों 6Q आया आपके पास आंसर सबसे पहले इनिशियल चार्ज कैलकुलेट करो फिर दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा इसका मतलब हम क्या लिखेंगे सर इसका मतलब लिखेंगे क्यू वन प्राइम डिवाइडेड बाई क्यू टू प्राइम इज इक्वस टू लिखना पड़ेगा सर आर वन डिवाइडेड बाई आर टू आर वन की जगह लिखोगे आर आर टू की जगह लिखोगे R, यानी क्या आएगा वन टू वन अब वन टू वन का मतलब क्या वेरी गुड बच्चों थ्री क्यू थ्री क्यू दोनों पर आंसर आएगा बहुत सही लेकिन कैसे कुछ बच्चों को अगर सीखना है तो मैं बताता हूं बेटा यहां पर वन इज टू वन का मतलब है वन प्लस वन यहां पर आपको टोटल टू पार्ट लिखने क्या लिखने बच्चों टोटल टू पार्ट टू पार्ट का मतलब क्या है जो टोटल सिक्स क्यू चार्ज है दो हिस्से करने हैं और दो हिस्से करने का मतलब है सिक्स क्यू को डिवाइडेड बाई टू करो एक हिस्सा थ्री क्यू आएगा आपका जो सिक्स क्यू है इसको डिवाइड बाई टू करो आंसर थ्री आएगा अब Q1 के पास भी एक हिस्सा है और Q2 के पास भी एक हिस्सा है तो डायरेक्ट ही, ही आंसर आ गया कि सर क्यू वन क्यू और Q2 टू प्राइम इज इक्वस टू थ्री क्यू अब एक बात समझना बच्चों ध्यान से अगर तुम आइडेंटिकल स्फीयर लेते हो कैसे स्फीयर लेते हो बच्चों आइडेंटिकल जिनके साइज़ेस सेम है तो सीधा इनिशियल चार्ज को डिवाइड बाई टू कर दो सीधा इनिशियल चार्ज को क्या करो बच्चों डिवाइड बाई टू कर दो दैट विल बी द फाइनल चार्जेस यस एवरीवन क्लियर है सीधा क्या करना है ऑड नंबर में हो तो कोई बात नहीं ऑड नंबर में हो तो आपने ऑड नंबर वाला पूछा मैं ऑड नंबर वाला सवाल करा देता हूं चलो आ जाओ यहां पर आपसे कहा कि एक स्फीयर स्फीयर ये ये रहा दूसरा ये रहा दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था कि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है यानी कि ये भी रेडियस आ रहे, ये भी भी रेडियस रेडियस आ आ रहे रहे इसके पास चार्ज है और इसके पास माइनस का कितना है बेटा थ्री क्यू चार्ज है। ये समझो जरा इसके पास माइनस का थ्री क्यू चार्ज है अब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट और बॉडीज को चार्ज दे दिया तो सबसे पहला काम है आपको यहां पर क्यू इनिशियल कैलकुलेट करना सबसे पहला क्यू इनिशियल क्या लिखोगे सिक्स क्यू और प्लस करके लिखोगे माइनस का थ्री क्यू प्लस में से माइनस होगा तो आएगा बेटा प्लस का Q, बोलो यस और और अब अब तुम तुम क्या लिखोगे? अब तुम लिखोगे सर, Q1 Q2 की values चाहिए सिंस बॉडीज कैसी हैं? आइडेंटिकल है, है आंसर आएगा सर 3Q क्यू डिड बाई टू आंसर क्या आएगा बच्चों 3Q क्यू डिडेड बाई टू अभी एक और बात है अगर यहां पर इनिशियल चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो दोनों का चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा अगर इनिशियल चार्ज का नेचर नेगेटिव होता तो ये दोनों नेगेटिव आते दैट्स ऑल ठीक है ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर इनिशियल चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास चार्ज का नेचर पॉजिटिव आएगा अगर इनिशियल चार्ज हमारा नेगेटिव है तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव नेचर आएगा ये सिंपल लॉजिक हमको समझना है बेटा ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ सबको समझ में आया बहुत बढ़िया तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्लियर है चार्जिंग बाय कंडक्शन क्लियर है लेकिन एक सवाल आपको अब और कराते हैं जिसमें मैं यहाँ पर साइजेस इक्वल नहीं दे रहा हूँ ठीक है साइजेस इक्वल नहीं दे रहा हूँ एक छोटा इस्पीयर है एक छोटा इस्पीयर है बच्चों और एक स्पीयर वडा है ठीक है ऐसे मैंने दे दिया एक की रेडियस मेरे पास आर है और दूसरे की रेडियस मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए थ्री आर है ठीक है एक की रेडियस आर है और दूसरे की रेडियस थ्री आर है अब इसको हमने चार्ज दिया मान लीजिए सिक्स क्यू और इसको हमने चार्ज दिया मान लीजिए नाइन क्यू ठीक है इसको हमने चार्ज कितना दिया बच्चों नाइन क्यू ध्यान से सुनना नाइन क्यू आइडेंटिकल हाँ, स्पियर नहीं हुआ तो सवाल करवा रहा हूं ना मैं मैंने क्या कहा डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे सवाल ना कॉलम्स लोग के साथ मर्च करके आते प्रीवियस ईयर में एक सवाल आया हुआ है आइडेंटिकल उनको पहले अलग अलग रखा हुआ है तो फोर्स ये है बाद में उनको टच करके सेपरेट कर दिया तो फोर्स क्या होगा तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा लॉजिक सवाल कैसे सॉल्व करोगे ठीक है तो इस लॉजिक को समझना बेहद जरूरी है और वही काम हम यहां पर समझने का कर रहे हैं बच्चों राइट क्लियर है जी सबको चमक रहा है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा यहां पर माइनस थ्री क्यू बाई टू नहीं, नहीं बालकों गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा सबसे पहला काम क्या है क्यू करो? क्यू इनिशियल कैलकुलेट क्या लिखोगे सर? प्लस का सिक्स क्यू माइनस का नाइन क्यू आंसर प्राइम लिखना पड़ेगा सर आर वन डिवाइडेड बाय आर टू लिखना पड़ेगा बेटा आर डिवाइडेड बाय थ्री आर यानी रेशियो आ रहा है और वन का मतलब, क्या? सुनो, वन का मतलब है, यहां पर टोटल वन प्लस थ्री यानी कि फोर पार्ट्स बेटा कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे फोर पार्ट्स करने पड़ेंगे किसके थ्री क्यू डिड बाई फोर एवरी वन चार हिस्सों का, मतलब का मतलब तो यही हुआ ना जैसे सौ रुपए अगर मुझे चार हिस्सों में बांटने हैं तो तुम क्या बोलोगे सौ डिवाइडेड बाय फोर पच्चीस रुपए तो 25 25 के चार हिस्से बस सेम काम है ये और कुछ नहीं अब आपको यह देखना है कि Q1 वन प्राइम के पास कितना पार्ट है बेटा वन पार्ट है और Q2 टू प्राइम के पास कितना बेटा थ्री पार्ट है तो आप सीधा लिखोगे Q1 वन प्राइम इज इक्वस टू वन इन टू में थ्री क्यू डिड बाई फोर चार्ज आएगा बेटा माइनस का थ्री क्यू बाई फोर और Q2 टू प्राइम का मतलब आएगा बेटा तीन हिस्से यानी थ्री इंटू में माइनस का थ्री क्यू डिड बाई फोर सो यू विल बी गेटिंग माइनस का नाइन क्यू डिड बाई फोर समझे कि नहीं समझे चंदूलाल की जायदाद का बंटवारा बेटा यहां पर लॉजिक समझ में आ रहा है नेट चार्ज अगर नेगेटिव था तो दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज नेगेटिव आया अब देखो जो बड़ा स्फीयर था जो बड़ा स्फीयर था उसके पास चार्ज नाइन क्यू बाई फोर है जो छोटा स्फीयर है उसके पास चार्ज थ्री क्यू बाई फोर है जो बड़ा है उसके पास चार्ज ज्यादा होगा जो छोटा उसके पास चार्ज कम होगा सिंपल लॉजिक यहां पर कंडक्शन पूरी तरह से समझ में आ जाता है यहां पर कंडक्शन पूरी तरह से समझ में आ जाता है एच ईच वन ऑफ यू एवरी वन ठीक है यहां कंडक्शन पूरी तरह से समझ में आ जाता है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन ठीक है चार्जिंग बाय इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है इसको समझते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन एक स्फीयर मेरे पास है मान लो ये रहा और इस स्फीयर में यहां पर इंसुलेटिंग हैंडल है इस स्फीयर में पर क्या बेटा एक इंसुलेटिंग हैंडल है क्यों इंसुलेटिंग हैंडल लगाना है क्योंकि अगर हम पकड़ते हैं तो हमारी बॉडी कंडक्टिंग होती है अगर हम डायरेक्ट टच कर लेंगे तो चार्ज हो सकता है हमारी बॉडी में एंटर करके फिर वो जमीन में चला जाए ठीक है इसलिए एक इंसुलेटिंग हैंडल लगाना बहुत जरूरी है ये ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा ये ऑब्जेक्ट अभी आपका न्यूट्रल है न्यूट्रल होने का मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटोन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है

ये स्फीयर हमने यहाँ पे रखा बच्चों ये स्फीयर हमने यहाँ रखा और ये जो आपके पास बॉडी थी इसको भी हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया और इसको हम लेके गए इसके पास में नज़दीक लेकर गए कहाँ गए बेटा नज़दीक लेकर के थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं ठीक है कहाँ लेकर गए एकदम बिल्कुल पास में ठीक है थोड़ा सा दूर कर लेते ताकि समझाने में दिक्कत ना होने तो पता चले कि तुम लोग है ना टच ही कर दिए टू न्यूट्रल स्पियर तो क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल तो जैसे ही लाइक like चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे यहां पर चार्जेस दूर चले जाएंगे एवरी वन और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे बेटा इससे अट्रैक्ट होंगे तो अनलाइक चार्जेस इधर आ जाएंगे आए कि नहीं आए बच्चों अब देखो इसमें अभी अगर मैं यहां से इनको सेपरेट कर दू रॉड को अलग कर दू स्फीयर को अलग कर दू तो दिस स्फीयर विल नॉट बी चार्ज बेटा क्यों क्योंकि जैसे ही तुम यहां पर सेपरेशन करोगे फिर से ये प्लस माइनस मिल जाएंगे तो फिर से यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा लेकिन अगर तुमने इसी स्फीयर में क्या करा एक काम किया अर्थिंग करी क्या करी बच्चों अर्थिंग करी क्या करी आप लोगों ने अर्थिंग एक नया टर्म है यहां पर अर्थिंग समझाते हैं पहले अर्थिंग क्या चीज होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अर्थ के बारे में अर्थ क्या है एक तरह का कंडक्टर है अर्थ क्या है बेटा एक तरह का कंडक्टर है और एक ऐसा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल जीरो है एक ऐसा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल क्या है बेटा जीरो है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस को क्या करता है बेटा ले लेता है जैसे आप घर में अर्थिंग करते हो ना अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा अगर आता है सप्लाई आपके घरों में तो वो कहां चला जाता है अर्थिंग में चला जाता है जिससे आपके घर की टीवी फ्रिज कूलर एसी, सेफ रहते हैं जिन घरों में अर्थिंग नहीं होती है वहां पर शॉर्ट सर्किट के, के केस में सारी चीजें उड़ जाती है ना बेटा फॉल्ट हो जाता है तो अर्थिंग क्या है अर्थ क्या है कंडक्टर है जिसका नेट पोटेंशियल क्या है बच्चों जीरो है ठीक समझ आई बात चलो बहुत बढ़िया अब हम अर्थिंग अगर करेंगे क्या अर्थिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझा देते हैं अर्थिंग का मतलब होता है अर्थिंग का सिंपल मतलब है बेटा कनेक्टिंग अ स्फीयर विथ अर्थ बेटा ठीक है अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्शन करना है किसके साथ कनेक्शन विथ अर्थ सिंपल कनेक्शन विथ किसके साथ बेटा अर्थ के साथ आपको कनेक्ट कर देना है ठीक है कनेक्शन विथ अर्थ ठीक है कनेक्शन विथ अर्थ बच्चों जिसे यहां पर हम करते हैं ये मैंने इसकी अर्थिंग कर दी अब ये हो सकता है कि सर आप अर्थिंग इधर ही क्यों कर रहे हो ध्यान से सुनो सर आपने यहां पर अर्थिंग क्यों नहीं करी इधर ही अर्थिंग क्यों करी अरे बालक बहुत सिंपल सी बात है ये रॉड जो है इस रॉड से ये वाला माइनस क्यू स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है और ये वीकली अट्रैक्टेड है है ना तो ये नेचुरली फ्लो करके इधर जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर क्या होगा जमीन से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करके ऊपर आएंगे और इन सारे माइंड इन सारे प्लस को क्या करेंगे बेटा न्यूट्रलाइज करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो करके आए इनको न्यूट्रलाइज किया आपने आपने बाद में क्या पाया? और नेट नेगेटिव बच गया तो जो न्यूट्रल था वो बॉडी कैसा हो गया बेटा वो बॉडी हो गया मेरा नेगेटिवली चार्ज क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है एवरी अर्थिंग नहीं करोगे तो चार्ज नहीं होगा अगर अर्थिंग नहीं करोगे तो चार्ज नहीं होगा क्या यहां पर यह लॉजिक क्लियर है कि सर कैसे चार्ज हो गया ये एवरी वन ईच वन ऑफ यू बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कैसे नेगेटिवली चार्ज हुआ सिंपल था क्योंकि आपने अर्थिंग कर दिया अर्थिंग करने से ये सारे प्लस क्या हो गए बेटा न्यूट्रलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन ने आकर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया या ये फ्लो करके अर्थ में चले गए तो यहां पर केवल नेगेटिव बचा नेगेटिव बचा अब यहां पर ये नेगेटिव रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दिस स्पीयर बिकम नेगेटिवली चार्ज और इस स्पीयर के पास एक चार्ज आ गया और वो चार्ज की वैल्यू क्यू प्राइम है इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं क्यू प्राइम को क्या कहते हैं बेटा इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं तो थोड़ा समझो जरा ठीक है डेरिवेशन या इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ बातें बता दूं जो बहुत जरूरी है वो ये कि ये जो Q प्राइम है ये तुम्हारा इंड्यूस्ड चार्जर इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ क्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई के जहां पर K को हम क्या कहते हैं बच्चों K को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं बच्चों डाय इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं और ये मटीरियल प्रॉपर्टी होती है बेटा कैसी प्रॉपर्टी होती है ये मटीरियल प्रॉपर्टी होती है तो मटीरियल डिपेंडेंट है, तो है अगर अगर मेटल है बच्चों क्या है आपके मेटल है तो मेटल के लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है इसका मतलब क्यू प्राइम का वैल्यू माइनस क्यू के बराबर होगा क्यू प्राइम का वैल्यू माइनस क्यू के बराबर होगा फॉर मेटल्स ओनली किसके लिए बच्चों मेटल्स ओनली बाकी सभी केसेस में बाकी सभी केसेस में के का वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर देन वन बेटा के का वैल्यू कभी भी लेस देन वन नहीं होता है हमेशा मोर देन वन होगा अगर मोर देन वन होगा तो आप लिखोगे कि सर ये जो क्यू प्राइम का वैल्यू है ये कभी भी मोर देन क्यू नहीं हो सकता इस क्यू प्राइम का वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्यू होगा और यहाँ पर ऑपोजिट पोलारिटी है इसलिए नेगेटिव साइन है बेटा है ना माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन इंडिकेट्स माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा इंडिकेट्स ऑपोजिट पोलारिटी एवरीवन माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों ऑपोजिट पोलारिटी दैट्स ऑल बस इतनी सी बात है अब एक बात आप देखोगे अब बहुत लॉजिकल एक और बात आपको बता दे बेटा ये क्यू ट्रांसफर नहीं हुआ दिस क्यू रिमेंस सेम और ये स्पीयर पहले न्यूट्रल था लेकिन अब इस स्पीयर के पास चार्ज हो गया तो क्या कंजर्वेशन वैलिड नहीं हुआ हम बोलेंगे वैलिड है लेकिन तीन चीजें एक साथ देखनी पड़ेगी ये रॉड प्लस ये स्फीयर प्लस ये अर्थिंग बेटा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज कैसे आया क्योंकि एक्सेस पॉजिटिव अर्थ में चला गया तो जितना इस स्फीयर में पॉजिटिव कम हुआ उतना अर्थ में चला गया तो कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है यस और नो एवरी वन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस स्टिल वैलिड बेटा क्यों वैलिड है बिकॉज आपको अर्थ को भी सिस्टम में कंसिडर करना पड़ेगा वॉट एवर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज वॉज देयर इन दियर बेटा वो सारा का सारा फ्लो करके अर्थ में चला गया तो अर्थ में जितना गया ठीक है अर्थ में जितना गया पॉजिटिव उतना स्फियर में कम हुआ पॉजिटिव तो कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है यस और नो बचो एवरी वन क्लियर है तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं डाय इलेक्ट्रिक क्या होता है एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है बेटा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है मेटल के केस में इनफाइनाइट होता है वाटर के लिए 81 होता है, है, तो है, तो है यहां पर जो क्यू प्राइम का वैल्यू है इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज सोर्स चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता हमेशा कम या बराबर होगा क्लियर है बच्चों अंडरस्टूड जल्दी से बताइए एक एक बात में बिल्कुल लॉजिकली एक धीरे धीरे आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है अगर आपकी नौ बजे क्लास है यू हैव टू मैनेज बेटा ठीक है मुझे तीन घंटे पढ़ाना देखो फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है प्लीज ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल भी कराने होते हैं कॉन्सेप्ट भी समझाने होते हैं तो दो घंटे में कुछ भी नहीं होगा ठीक है हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्जिंग ही कंप्लीट किया और हमारे यहाँ पर डेढ़ घंटे का वक्त हो गया करीब एक घंटा सवा घंटा ठीक है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्लास का ड्यूरेशन लंबा रखना है अगर फिजिक्स में हमें एक सौ अस्सी स्कोर करना है तो ठीक है आपका टारगेट हमेशा बड़ा होता है लेकिन आप काम करने के लिए नहीं इच्छा रखते हो ठीक है एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि यार मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ मैं बड़े टारगेट रखना चाहता हो तो क्या ये सही है या गलत है यार बड़े टारगेट ना जितने बड़े रख सकते हो रखो कोई दिक्कत नहीं है टारगेट बड़े रखने में लेकिन क्या तुम उन बड़े टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो यदि आंसर है नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है बड़े टारगेट रख लेने से ठीक है एग्जाम के लिए भी आप देखो ना मैं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं यू डिसाइड कि बोर्ड के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा नीट के लिए ठीक रहे यू डिसाइड ना योर डिटेल में पढ़ा रहा हूं ठीक है अब आओ जरा यहां पर यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं देखो आई एम टेकिंग टू स्फियर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर बेटा दो स्पियस लिए जो एक दूसरे के हंड्रेड परसेंट कैसे हैं कॉन्टैक्ट में है यहां पर इंसुलेटिंग हैंडल्स के साथ कनेक्ट है नाउ आई एम ब्रिंगिंग ठीक है नाउ आई एम ब्रिंगिंग रॉड जो यहां पर होगा पॉजिटिवली बेटा जो यहां पर होगा पॉजिटिवली है बेटा पास लेकर आएंगे।, ले आएंगे देखो जैसे ही मैं पास लेकर आया क्या होगा रॉड को जैसे ही आप पास लेकर आएंगे इस पॉजिटिव की वजह से सारा प्लस रिपेल होकर इधर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों स्पियर आपस में कनेक्टेड है बेटा तो सारा प्लस यहां आ जाएगा और सारा माइनस इस वाले स्फीयर पर रह जाएगा बोलो यस और नो एवरी वन अगर स्फीयर ए है तो उसके ऊपर सारा पॉजिटिव स्फीयर बी है तो उसके ऊपर सारा नेगेटिव क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो ए और बी दोनों का माइनस अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा और ए और बी दोनों का प्लस रिपेल होकर ए के पास आ जाएगा यस ये लॉजिक समझ में आ रहा है अब बच्चों विदाउट अर्थिंग ठीक है विदाउट अर्थिंग सवाल को सुनना मजेदार तरीके से ठीक है यहां पर क्या कर रहे हैं अर्थिंग नहीं किया नाउ नाउ इफ ए एंड बी यहां पर क्या किया जाए बेटा ए एंड बी सेपरेटेड ए और बी को क्या कर दिया जाए बेटा सेपरेट कर दिया जाए सेपरेट कर दिया ठीक है विदाउट एनी अर्थिंग देन देन क्या होगा देन यहां पर क्या होगा ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बेटा ठीक है और बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ए एंड बी विल बी न्यूट्रल बताओ क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा जल्दी से श्योर आई एफ लोड माई लेक्चर्स ऑन लिंक ट्री एज वेल बेटर ठीक है लिंक ट्री पर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं बट इफ यू नीड देपरेट दिस ये रॉड अभी आप दूर नहीं ले गए ये रॉड अभी आप दूर नहीं ले गए ये यहीं पर है और आपने इन दोनों स्पीयर्स को सेपरेट कर दिया जैसे सेपरेट करोगे कॉन्टेक्ट हटाओगे इस माइनस को वापस से फ्लो करने का समय नहीं मिलेगा और इस प्लस को वापस से बी की तरफ जाने का समय नहीं मिलेगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा सुनो ध्यान से होगा ये है ना तुम यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर गए थोड़ा गच्चा खा गए सवाल बढ़िया बना दिए थे हम ठीक है सवाल बढ़िया बना दिए थे थोड़ी मस्ती कर लिए हम तुम लोगों के साथ ठीक है अरे बेटा जैसे ही तुमने यहाँ पर इनको इमीडिएटली सेपरेट किया क्या हो गया इसके पास केवल प्लस रह गया माइनस नहीं आ पाया तो ये ए क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी के पास केवल क्या रह गया बी के पास केवल माइनस रह गया प्लस नहीं आ पाया तो ये बी क्या हो गया बेटा नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ए बिकम पॉजिटिवली एंड बी बिकम नेगेटिवली चार्ज और नो एवरी अगर मैं रॉड हटा देता अगर मैं क्या करता बेटा मैं रॉड हटा के फिर सेपरेट करता सुनना अगर मैं इस रॉड को यहां से हटा देता और फिर सेपरेट करता तो फिर ये दोनों न्यूट्रल रहते क्योंकि जैसे तुम रॉड हटाते वापस से हो जाता लेकिन हमने क्या किया रॉड को वही रहने दिया और इन स्पियर्स को अलग कर दिया रॉड को वही रहने दिया और इन स्पियर्स को अलग कर दिया तो यहां का माइनस इसके साथ रह गया यहां का प्लस इसके साथ रह गया तो ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड बी बिकम नेगेटिवली चार्ज लॉजिक समझ में आया ज दैट क्लियर अंडरस्टूड बचो बहुत बढ़िया अब आ जाइए जरा एक और सवाल करते हैं उससे तुम्हें इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा फिर हम चलते कुलाम्स लॉ की तरफ फिर हम चलेंगे कुलाम्स लॉ गुलाम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन हम डायपोल कोशिश करेंगे जितना मैंने आज आपसे कहा है उतना मैं पूरा पढ़ा दू अगर कुछ रह जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना बेटा ठीक है मैंने क्या कहा ग्यारह फरवरी इज दी लास्ट डेट टू कंप्लीट योर सिलेबस ग्यारह फरवरी नहीं पंद्रह फरवरी हो जाएगा चार दिन अगर कोर्स ऊपर नीचे होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ इत्मीनान से यस बच्चो कैन आई गेट सम हार्ट ऑन दिस बात बेटा इस बात पर हार्ट मिलते मुझे हाँ जी चलो

एम इज लार्ज मेटल प्लेट बेटा कैसी है लार्ज मेटल प्लेट है ठीक है और यहां पर आप लिखेंगे ए एंड बी जो है वो क्या है मेटल पीसेस हैं मेटल पीसेस और वो कैसे हैं न्यूट्रल है मेटल पीसेस हैं और वो कैसे हैं बच्चों वो यहां पर आपके न्यूट्रल है ध्यान से सुनना अब सवाल ये है कि आपको बताना है क्या होगा तो ऑप्शन ए है बेटा एम क्या करेगा एम अट्रैक्ट करेगा एम अट्रैक्ट ए ठीक है ऑप्शन बी एम क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट करेगा एम अट्रैक्ट करेगा बी को ऑप्शन सी ए अट्रैक्ट करेगा बेटा ऑप्शन सी क्या है और ऑप्शन डी क्या है बच्चों यहाँ पर नन नन ऑप्शन डी क्या है बच्चों यहाँ पर नन सॉरी नन की बजाय काम करते हैं आप है ना नन की बजाय ऑल कर देते हैं नन की बजाय ऑल कर देते हैं नन की बजाय ऑल कर देते हैं आप बताओ क्या होगा ठीक है सवाल यह है m इज द लार्ज मेटल प्लेट बेटा अब देखो जरा ध्यान से सुनो एक छोटा बल्ब अगर होगा एग्जांपल से सुनना एक छोटा बल्ब अगर होगा उसका उजाला कम होगा है ना एक छोटा बल्ब अगर होगा उसका उजाला कम होगा और एक बड़ा बल्ब अगर होगा तो उसका उजाला ज्यादा होगा ज्यादा दूर तक फैलेगा ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा राइट उसी तरह से अगर ये लार्ज मेटल प्लेट है तो इस के चार्ज का इन्फ्लुएंस दूर तक होगा बोलो हाया ना इस लार्ज मेटल प्लेट का इन्फ्लुएंस कहां तक होगा बेटा दूर तक होगा इस पूरे रीजन में होगा अब इस मेटल प्लेट की वजह से यहां पर आएगा इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज भाई प्लस की वजह से प्लस दूर भागेगा अब इस प्लस की वजह से सुनना इस प्लस की वजह से इसका जो माइनस है वो यहां आ जाएगा और इसका प्लस दूर भागेगा एवरी ऐसे ही तो होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मेटल पीसेस अगर हैं तो उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर बराबर हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर बराबर हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट होगा और प्लस दूर जाएगा प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट होगा प्लस दूर जाएगा और डी आंसर जिन जिन का आ रहा है वेरी गुड बेटा बधाई हो आप सभी लोगों को हंड्रेड आंसर करेक्ट है कैसे उसे सुनिए जरा तो ये जो एम है ये इस माइनस को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा तो एम ए को अट्रैक्ट कर रहा है बिल्कुल सही है अब ये जो एम है ना तो ये ए और बी दोनों सिंस ये लार्ज मेटल प्लेट है इसलिए ए और बी दोनों मेटल पीसेस एम के इन्फ्लुएंस में है इस वजह से ये जो माइनस है बेटा बी का ये भी इस M की तरफ अट्रैक्टेड होगा और यहां पर देखो ए और बी का तो प्लस माइनस पास पास है ही से तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑल समझ आया सब लोगों को एवरी अब आपने एक बात देखी ये कैसा था ये पीस कैसा था न्यूट्रल था ये पीस कैसा था बेटा न्यूट्रल था ये पीस भी कैसा था न्यूट्रल था बट स्टिल बट स्टिल अट्रैक्टेड बट स्टिल Attracting, क्या हो 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 रहा attract हो रहा? रहा बेटा? बेटा. पर कैसा 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 है, M positively है? M कैसा है? अब अगर positive charge की तरफ कोई attract होना चाहिए, तो वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए लेकिन यहां तो न्यूट्रल भी अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं अगर आपसे कहूं सुनना ध्यान से मैं अगर आपसे कहूं एक पीस है मेरे पास मेटल का और वो पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस पीस के पास नेट चार्ज क्या होगा तो उसका आंसर नेगेटिव अगर तुम कहते हो तो हो सकता है वो आंसर गलत हो बेटा अगर तुम कहते हो कि उसका आंसर नेगेटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हो सकता है उसका आंसर गलत हो क्योंकि अट्रैक्शन इंडक्शन से हो सकता है चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होके न्यूट्रल पीस कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज बॉडी इसलिए आप लोग आप पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी तो उसमें पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज बेटा किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी के पास चार्ज है या नहीं या चार्ज अगर है तो वह चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता लगाने का बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या तरीका है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक नोट पॉइंट यहां पर आपको समझा देते हैं ठीक है so, सो इलेक्ट्रो असर्स रीजन में मिल सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट क्या होगा बेटा इज ट्रू टेस्ट ठीक है ऑफ आइडेंटिफाइंग चार्ज ऑफ आइडेंटीफाइंग चार्ज नेचर ऑफ आइडेंटिफाइंग

टी आर ठीक है डॉट ई ms. लाइव वहां पर आपको फास्ट ट्रैक के नाम से देखने को मिल जाएगा गूगल पर अभी अपडेटेड नहीं है बट मैं आज अपडेट करा दूंगा बेटा ठीक है है ना यस बच्चों? ओके okay, एक बारी दोबारा बता देता हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ ठीक है कि एक पीस ऑफ आपके पास यहाँ पर था पॉजिटिवली चार्ज और ये पीस अगर अट्रैक्ट हुआ तो आप इसे नेगेटिवली चार्ज नहीं कह सकते क्योंकि ये न्यूट्रल होने पर भी अट्रैक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव होता तो भी अट्रैक्ट होता लेकिन अगर ये रिपेल हो रहा है तो तभी रिपेल होता जब ये पॉजिटिवली चार्ज होता बेटा ये रिपेल तभी होता पीस जब ये पॉजिटिवली चार्ज होता इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट नाउ इट इज क्लियर एवरी ठीक है बच्चों समझ आया समझ आया गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गोल्ड लिफ्ट वही तो एग्जाम्पल बताता है आप लोगों को ठीक है नेचर ऑफ चार्ज को पता लगाने का तरीका ही तो होता है ना नेचर ऑफ चार्ज को पता लगाने का तरीका ही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक गोल्ड लिफ राइट

डन 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 चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम यहां पर कहानी करते हैं हेडिंग डालेंगे सर गुलाम लो ठीक है जिसकी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था आ गई है वो घड़ी गुलाम्ज लो क्या होता है उसको पढ़ते हैं बेटा ठीक है गुलाम्ज लो बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारी कहानी गुलाम्ज लो ठीक है चलो गुलाम क्या कहते हैं अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं गुलाम क्या कहते हैं बेटा अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट सम सेपरेशन कैसे चार्जेस है बच्चों ध्यान से सुना क्यू वन एंड क्यू टू पॉइंट चार्जेस है ना तो यहां पर क्या है सर Q1 वन एंड क्यू टू पहली चीज़ कैसी है सर पॉइंट चार्जेस हैं ना वट डू यू मीन बाई पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी वेरी लार्जर एज़ कंपेयर टू देयर साइज बेटा पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं तो यहां पर आप बोलोगे सर आर जो इनके बीच का सेपरेशन है आर इज़ वेरी लार्ज बेटा आरज इज़ आर इज़ वेरी लार्ज एज कंपेर्ड टू साइज एज कंपेयर टू साइज किसकी साइज बेटा एज कंपेयर टू साइज ऑफ चार्ज ठीक है तो हम उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं तो अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं अगर हमारे पास क्या बेटा कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं तो अगर नेचर कैसा है बच्चों ध्यान से सुनेगा अगर यहां पर Q1 वन इंटू क्यू टू का वैल्यूज मोर देनोको लाइक है और दो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर प्लस आएगा और प्लस मतलब जीरो से बड़ा तो Q1 वन इंटू क्यू मोर देन जीरो मतलब लाइक like तो चार्जेस होगा बच्चों रिपल्शन क्या होगा इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा लेकिन Q1 वन इंटू क्यू टू लेस देन जीरो एक प्लस और दूसरा माइनस एक प्लस और दूसरा माइनस तो इन्हें हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अगर हैं, तो यहां पर होगा अट्रैक्शन ये दो बातें आपको समझ में आई एवरीवन? अट्रैक्शन रिपल्शन अब अट्रैक्शन कितना रिपल्शन कितना तो यहां पर गुलाम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इसीलिए हम इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं तो बच्चों यहां पर जो आपका एफी है वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू एंड होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अगर आप प्रपोर्शनैलिटी हटाओगे क्या हटाओगे बच्चों अगर आप प्रपोर्शनैलिटी हटाओगे आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा और जब आप वो कॉन्सटेंट लगाओगे वो कॉन्स्टेंट यहां पर के होगा तो के इंटू में क्यू वन इंटू क्यू टू एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इस के को हम कहेंगे कुलाम कांस्टेंट बेटा क्या कहेंगे हम इसको कहने वाले हैं कुलाम्स कांस्टेंट और ये जो कुलाम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है वन डिवाइडेड बाय फोर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है बच्चों वन डिवाइडेड बाय फोर एप्सिलॉन नॉट एवरी वन है वेरी गुड तो एक और चीज है बच्चों यहां पर एप्साइल नॉट क्या चीज है उसको समझते हैं तो एपसाइल नॉट को हम कहेंगे इसे हम कहते हैं बच्चों परमिटिविटी क्या कहते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ ऑफ फ्री स्पेस बेटा किसका स्पेस बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम फ्री स्पेस को ही हम क्या कहेंगे बच्चों वैक्यूम कहेंगे और ये जो परमिटिविटी है ये जो परमिटिविटी है इसको हम कहते हैं बेटा 8.854 पॉइंट एट फाइव फोर इंटू मे टेन रेस टू दी पावर माइनस ट्वेल्व और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कोलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बच्चों ठीक है ये वैल्यू किसके लिए है ये है एयर और वैक्यूम के लिए ये किसके लिए बेटा दिस वैल्यू इज फोर दिस वैल्यू इज फॉर एयर और वैक्यूम किसके लिए बच्चों हवा और वैक्यूम के लिए है अलग अलग मटेरियल के लिए परमिटिविटी का अलग अलग वैल्यू होता है परमिटिविटी को थोड़ा यू समझ लो परमिटिविटी का मतलब क्या है परमिटिविटी का मतलब है हाउ स्ट्रांगली चार्ज कैन इंफ्लुएंस द मीडियम बेटा हाउ स्ट्रांगली द चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम एग्जाम्पल से समझाते आपके पिताजी जब आपके घर में बैठे होते हैं तो वो आपके पूरे घर को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है जब वो आकर बैठते हैं ऐसा मान लेते हैं ठीक है लेकिन अगर आपके पिताजी किसी और के घर में जाएंगे तो उनका इन्फ्लुएंस वहां पर इतना ज्यादा नहीं होगा तो कोई पर्टिकुलर मीडियम कितना इंफ्लुएंस अलाउ करता है वो परमिटिविटी के वैल्यू से निर्धारित होती है बेटा ठीक है समझ आया क्लियर है अंडरस्टूड बहुत बढ़िया तो यहां पर एफसेल नॉट समझ में आ गया अब अगर आप लोगों ने यहां पर वैल्यू करी बेटा ठीक है आपने यहां पर क्या किया तो आप एफ ई का वैल्यू क्या लिखोगे एफ ई का वैल्यू आएगा वन डिवाइडेड बाय

आपने यहां पर वैल्यू रख दी किसकी फोर पाई नॉट की वैल्यू जैसे ही रखोगे सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है इसलिए याद रखना में टू पावर नाइन बेटा ठीक है चलो अब अगर आपने यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम को चेंज कर दिया क्या कर दिया बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम आपने चेंज किया ध्यान से सुनना क्या किया आपने मीडियम चेंज किया सीधी सी बात है चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ सॉरी चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब आपने यहाँ पर प्रपोशनलिटी हटा एक कॉन्स्टेंट लगाया उसे कॉलम कांस्टेंट कहते हैं कॉलम कांस्टेंट का वैल्यू वन बाय फोर पाई एफ्स नॉट एफ नॉट परमिटिविटी होती जिसकी वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी ठीक है जैसे आप ये वैल्यू रखकर कैलकुलेट करोगे तो के का वैल्यू नाइन इंटू में टेन रेस टू दी पावर नाइन आएगा और फोर्स का वैल्यू ये रहा आपके सामने वन बाई फोर बाय एप्स एल क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर लेकिन सवाल ये है इफ़ चार्जेस प्लेस्ड इन अनदर मीडियम बेटा यहाँ पर क्या है कंडीशन बनाते है, देखो और सवाल आते हैं ठीक है ठीके? इफ चार्जेस प्लेस्ड कहां पर रख दिया आपने चार्जेस को प्लेस्ड इन कहा अनादर मीडियम कहां पर रख दिया बेटा? पे रख दिया आपने किसी और मीडियम में अनादर मीडियम मतलब का का मतलब है other than air or vacuum another medium का मतलब है है बेटा? तो जैसे ही आपने किसी और किसी और मीडियम में रखा फोर्स का वैल्यू आप यहां पर क्या लिखोगे एफ एम लिखोगे एफ एम लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा वन डिवाइडेड बाई फोर और यहां पर लिखना पड़ेगा एपसेल एन एम अब क्यों लिखा है एपसेल एम क्योंकि जो भी मीडियम होगा ना उसकी परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी अगर चार्जेस एयर में रखे हैं तो एयर की परमिटिविटी, चार्जेस किसी और मीडियम में रखें तो किसी और मीडियम की परमिटिविटी, चार्जेस अगर पानी में रखें तो पानी की परमिटिविटी, चार्जेस अगर मेटल में रखें तो मेटल की परमिटिविटी ठीक है चार्जेस अगर केरोसिन में रखें तो केरोसिन की परमिटिविटी तो आपका एप्सेलन एम लिखना पड़ेगा नीचे जैसे आपने एप्सेलन एम लिखा अब यहां पर आपने लिखा कि सर ये तो क्यू वन इंटू क्यू टू और नीचे आपका आर स्क्वायर ही रहेगा लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर एप्सेलन नॉट से मल्टीप्लाई करूं और एप्सेलन नॉट से डिवाइड करूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी कम ऑन एवरी एपसाइल नॉट से मल्टीप्लाई किया एपसाइल नॉट से डिवाइड किया तो यहां पर आपको ये एपसाइलन एम डिवाइडेड बाई एपसाइलन नॉट एक रिलेशन मिलता है जिसे हम यहां पर लिखते हैं सर

कौन सा एयर और वैक्यूम का तो एयर और वैक्यूम के कंपेरिजन में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा या कम है ठीक है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाय इलेक्ट्रिक बेटा ठीक है अंडरस्टोड ठीक है स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या है एक वीडियो आपके साथ शेयर होगा कि कैसे हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे पांच हजार क्वेश्चन हम टोटल सौ दिनों में करने वाले हैं तो आई विल शेयर द डिटेल्स आई विल शेयर द अपडेट्स आई विल शेयर द क्लास लिंक्स एंड एवरीथिंग ठीक है अभी आप क्लास पर फोकस करें बेटा ठीक है यस yes, नहीं याद नहीं करना बेटा एफ नॉट का वैल्यू याद नहीं करना याद रहे तो अच्छी बात है लेकिन याद नहीं करोगे तो भी चलेगा तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है आपको समझ में आएगा सर कि यहां पर यह जो मसाला है कौन सा वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एफसेल नॉट और ये क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर ये तो तुम्हारा एफ ई हो जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि सर यहां पर रिजल्ट आ रहा है एफ ई डिवाइडेड बाय एफ साइलन आर या फिर और करके लिखेंगे सर एफ ई डिवाइडेड बाई के क्या यह बात सबको समझ में आ रही है तो वेन एवर यू चेंज द मीडियम योर फोर्स विल रिड्यूस फैक्टर ऑफ के जब भी तुम क्या करोगे बच्चों जब भी तुम यहां पर मीडियम को चेंज करोगे आपका जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ के और फोर्स रिड्यूस होगा फोर्स क्या होगा बच्चों रिड्यूस होगा एवरी वन यस और नो फोर्स क्या होगा बच्चों रिड्यूस होगा फोर्स क्या होगा बालकों रिड्यूस होगा देखो अब आपको बताते हैं फोर्स क्या हो गया सर रिड्यूस हो गया ये रहा सवाल 1999 में डायरेक्ट आया हुआ है समझो जरा क्या लिखा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ कांस्टेंट के मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स नहीं रिमेन्स अनचेंज नहीं डिक्रीजेस बाय के टाइम्स यस बिल्कुल सही है डिक्रीज हो जाता है बाई के टाइम्स तो समझ में आया आसान क्वेश्चन है कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा ठीक है यहां तक लॉजिक क्लियर है सभी लोगों को यहां तक लॉजिक क्लियर है सभी लोगों को किसी को कोई परेशानी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों, ठीक है बात समझ में आ गई चलो अब यहां पर आपको है ना एक और बात बताते हैं एक और बात बताते हैं यह सवाल करते हैं बढ़िया वाला ठीक है दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है इस सवाल को सॉल्व करते हैं देखो आओ जरा बोल रहा है कि टू पॉजिटिव आयंस आयंस दो पॉजिटिव हैं ईच चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मिसिंग होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मिसिंग है। भाई अगर आपने ये देखा कि दो आय हैं क्या है दो से जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके पास क्या है बेटा पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बोलो नो अच्छा डी वाला सेम क्वेश्चन में डी वाला क्यों नहीं हुआ डी वाला क्यों नहीं हुआ बेटा यहां पर क्या लिखा है यहां पर लिखा इंक्रीजेस के टू दी माइनस वन नहीं इंक्रीज कैसे होगा बेटा इंक्रीज कैसे होगा ये तो डिक्रीज, वर्ड यहाँ पर डिक्रीज आना चाहिए था तो के टू दी पावर माइनस वन सही होता ठीक है इंक्रीज नहीं होता डिक्रीज होता है ठीक है यस yes, बच्चों को कांस्टेंट कॉन्स्टेंट इज स्मॉल के बेटा हम उसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है हाँ चलो बढ़िया है आ जाओ यहां पर आ जाओ ये वाला सवाल देखो जरा क्या कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आयन से चार्ज क्यों है दे विल रिपेल ईच अदर है ना तो यहां पर क्या हो रहा है फोर्स का एक वैल्यू आएगा जिसको आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय पाई नॉट में क्या आएगा बच्चों क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी का होल स्क्वायर यही होगा एवरी ठीक है अब एक छोटी सी बात है ये वैल्यू लिखी जाएगी एफ के बराबर फोर्स इज इक्वल टू एफ ये लिखा है क्या हम यहां से Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा Q इज इक्व क्या वैल्यू आएगी फोर पा एपल एफ इन टू में डी का होल स्क्वायर और यहां पर ये पूरा का पूरा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट में आएगा बोलो आएगा कि नहीं आएगा अंडर रूट में एवरी अरे Q का वैल्यू निकाल लिया मैंने अब जैसे ही आपने Q का वैल्यू निकाला Q को आप क्या लिखोगे बेटा यहां पर Q को आप लिखोगे n इंटू में e और यहां पर n इंटू में ई क्या हो जाएगा आपके पास फोर पाई एपसे नॉट एफ इन टू में डी का होल स्क्वायर एवरी वन तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिसिंग होंगे वो हो जाएंगे यहां पर कितने तो उसे आपको लिखना पड़ेगा सर दिस वैल्यू वुड बी अंडर द रूट ऑफ यहां पर आएगा फोर पाई एपसेल एन नॉट एफ इंटू मै डी स्क्वायर और नीचे आएगा ई e. लेकिन ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है देखो अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर करते हो तो ऑप्शन भी मैच मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस ई e को स्क्वायर करके रूट में लिख लो स्क्वायर करके रूट में लिखोगे ऑप्शन सी मैच कर जाएगा ठीक है बच्चों क्लियर हुआ तो इस तरह के सवाल आते हैं बड़े सिंपल बड़े आसान कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है चलो यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को बताओ जरा ठीक है अब आगे आते हैं सर अब आगे आते हैं अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये यह वैल्यू है इस तरह की अब आपने क्या कहा सर कि ये दो फोर्स ये देखो ये चार्जेस थे ठीक है हम यहां पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलाम्ज लो की बात कर रहे हैं किसकी बात करें बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलाम्ज लो की बात करेंगे है ना या वेक्टर लो वैक्टर फॉर्म ऑफ कोलाम्ज लो के पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलाम्स लो के पहले हम यहां पर बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल कुछ और न्यूमेरिकल ठीक है कुछ और न्यूमेरिकल करें बच्चों, जल्दी बताओ मेरे ख्याल से यहाँ पर भी होंगे हमारे पास यहाँ पर भी होंगे हमारे पास ठीक है नहीं इसमें नहीं है ठीक है इसमें तो डायपोल वगैरह के क्वेश्चन आ गए प्रीवियस ईयर में नहीं है प्रीवियस ईयर में नहीं है हाँ ये देखो एक प्रीवियस ईयर का सवाल है बड़ा सिंपल है

पच्चीस परसेंट ए का चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया देन द फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स अरे यार स्क्वायर करके रूट में कैसे लिखेंगे बेटा अगर ई e स्क्वायर रूट में लिखा मतलब रूट से बाहर ई e आएगा ना कीर्ति ठीक है ठीक है बच्चों ऑप्शन सी आ रहा है वेरी गुड कुछ बच्चे तो बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं यार फास्ट तरीके से यहाँ पर प्लस क्यू है यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू है और ये सेपरेशन कुछ मान लीजिए आर रखा हुआ है तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा एफ इज इक्वल टू आप लिखेंगे के ये हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर और ये अट्रैक्शन होगा बेटा ये कैसा होगा यहाँ पर होगा अट्रैक्शन राइट right, ठीक है चलो अब क्या हो रहा है बेटा अब ये बोला है कि यहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा इधर और वो भी कितना 25% 25% का मतलब एक क्यू बाई फोर ट्रांसफर होगा एवरी वन ट्वेंटी परसेंट का मतलब कितना ट्रांसफर होगा बेटा क्यू बाई फोर ट्रांसफर होगा जब क्यू बाई फोर ट्रांसफर हो गया तो यहां पर बचेगा कितना Q में से Q बाय फोर हटाओगे तो आपके पास चार्ज बचा बचा, बचा केवल और केवल थ्री क्यू डिड बाई फोर राइट और यहां पर इसमें आके एड हुआ है ये आपका प्लस का ये जो है ना आपका पॉजिटिव प्लस का Q बाई फोर इस माइनस में आके एड हुआ तो जब माइनस में आके एड हुआ तो यहां पर नेट चार्ज क्या होगा माइनस का Q प्लस का Q बाई फोर तो यहां पर आंसर आएगा बेटा माइनस का थ्री क्यू बाई फोर यानी कि चार्ज का वैल्यू चेंज हो गया पहले चार्ज क्यू एंड क्यू थार हो गया तो नया जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ जैसे लिखना पड़ेगा तो आप लिखोगे सर एफ प्राइम इज इक्व टू यहां पर कितना हो जाएगा सर थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर इन में थ्री क्यू डिडेड बाई फोर के साथ तो आप यहाँ पर बोलोगे सर आंसर आ रहा है नाइन बाई सिक्सटीन और ये जो क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्टर डिवाइडेड बाई आर है ना इसको तुम लिख दोगे यहाँ पर एफ के बराबर तो नाइन एफ डिवाइडेड बाई स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है नाइन एफ डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आ रहा है क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ बच्चों क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ एवरी जल्दी बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई बहुत बढ़िया सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा बेटा सिस्टम का चार्ज कंजर्व ही तो है सिस्टम का चार्ज कंजर्व ही तो है इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर नेगेटिव है ऐसा इन दोनों को जोड़ोगे आंसर ज़ीरो है प्लस माइनस खत्म होकर और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आंसर जीरो है तो क्यू इनिशियल इज इक्व टू क्यू फाइनल उस कंजर्वेशन में कहाँ जा रहे हो हमें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना है क्या देखना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना है ठीक है समझ आया सभी लोगों को हाँ जबरन ही फंसते रहते हो यार फालतू तो उलझ जाते हो चलो आओ इधर यहाँ पर ज़रा ठीक है आओ जरा यहां पर एक और सवाल है बहुत प्यारा अब ये थोड़ा अलग सवाल है ठीक है अब ये थोड़ा अलग सवाल है लास्ट क्वेश्चन का आंसर ए है जो हमने यहां पर किया बेटा क्यू का स्क्वायर होता है हमारे पास तो क्यू निकालना है तो अंडर रूट में चला जाएगा जैसे यहां पर ई e लिखा है ना E लिखा है ना तो वन डिवाइडेड बाय आपको लिखना पड़ेगा फोर पाई एफ नॉट डी स्क्वायर इन टू मै एफ और नीचे जो ई e लिखा है उसको रूट ई स्क्वायर लिखना पड़ेगा अब सबको एक साथ रूट में लिख दो कहाँ मतलब उलझते हो यार तुम लोग ठीक है आओ जरा क्लियर है जी क्लियर है मैंने प्रपोर्शनैलिटी में सॉल्व किया आर कहां गया प्रोपोर्शनलिटी में सॉल्व किया बेटा आर कहाँ गया तो अपन ने प्रोपोर्शनलिटी में सॉल्व किया आपको लिखना है आप लिख लो नीचे कि आर स्क्वायर होगा बेसिकली ये ऐसे सॉल्व होता एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर और यहाँ पर लिखना पड़ता है एफ प्राइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री क्यू बाई फोर इंटू मैं थ्री क्यू बाई फोर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा के बाय आर स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट है के बाय आर स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट है तो एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम इज इक्वस टू आंसर आता आप लोगों का यहाँ पर नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन तो एफ प्राइम का वैल्यू आ जाता है नाइन एफ डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ऐसे सॉल्व करने की आदत डालो थोड़ी जल्दी ठीक है थोड़ी जल्दी सॉल्व करने की आदत डालो ऐसे हर सवालों को लॉन्ग मेथड से करेंगे तो कब तक सॉल्व करते रहेंगे ठीक है चलो जल्दी आ जाओ यहां पर वॉट इक्वल चार्जेस वुड बी प्लेस्ड ऑन दी अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वॉट चार्जेस वॉट इक्वल चार्जेस वॉट इक्वल चार्जेस वुड बी प्लेस्ड ऑन दी अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन बेटा ठीक है बहुत बढ़िया इस इस सवाल का आंसर बहुत सिंपल है देखो एक चीज समझो कि यहां पर मान लीजिए आपकी अर्थ है बेटा ठीक है और यहां पर मान लीजिए आपका मून है ठीक है ये अर्थ और मून एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं यहां पर आपकी अर्थ है यहां पर आपका मून है इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इसको अपन आर बोलते हैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं एफ जी इज इक्वल टू जी यहां पर आप बोलेंगे सर एम वन एन टू में एम टू इसके मास को हम एम वन बोल रहे हैं इसके मास को हम एम टू बोल रहे हैं होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर राइट बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना दो मास के बीच में इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है इसको चार्ज अगर आपने क्यू दिया और इसको भी चार्ज अगर आपने क्यू दिया तो ये क्यू की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे रिपेल करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी बेटा के इन में यहां पर आप बोलेंगे सर क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एवरी अब वो बोल रहा है टू न्यूट्रलाइज क्या लिखा है यहां पर बच्चों सवाल में ये लिखा है टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसका मतलब एफ जी और ये एफ ई दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों एवरीवन एफ जी और एफ ई दोनों बराबर होने चाहिए तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का मतलब एफ ई इज इक्वस टू एफ जी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो आप इधर लिखेंगे जी आप लिखेंगे बच्चा एम वन इन टू एम टू होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वस टू आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों के क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हुआ और जैसे आपने इसको कैंसिल आउट किया चार्ज का वैल्यू आपको निकालना है तो चार्ज क्यू इज इक्वस टू वो आ रहा है जी डिवाइडेड बाई के और इंटू में आ रहा है एम वन इंटू एम टू और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में क्योंकि क्यू का स्क्वायर था अब आपको मालूम है है देखो जो जी होता वो होता है बच्चों सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू में टेन रेस्टू माइनस इलेवन और जो के होता है वो होता है बच्चों नाइन इंटू मै टेन रेस्टू दी पावर नाइन नाइन इंटू में क्या होगा बच्चो टेन रेस्टू दी पावर नाइन अब और एम वन इंटू एम टू आपको गिवन है तो Q का वैल्यू हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ G G का इज बच्चों सिक्स इंटू मै टेन रेस्ट पावर माइनस इलेवन नीचे आप यहां पर रखोगे सर 9 into 10 to the power 9. दोनों मासेस जो हैं वो यहां पर एक टेन रेस टू दावर ट्वेंटी फाइव है और एक यहां पर टेन रेस टू दावर ट्वेंटी सिक्स है yes, बच्चों है है ना बच्चों जल्दी बताओ अब आप देख लो जरा यहां पर भाई ऊपर यहां पर टेन रेस्पर ट्वेंटी फाइव है यहां पर टेन रेस्पर ट्वेंटी थ्री है तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना जो आंसर निकल कर आएगा बेटा वो यहां पर निकल कर आएगा ऊपर प्लस ठीक है ऊपर क्या निकल कर आएगा प्लस तो जो भी आंसर आएगा वैल्यू निकल कर आ जाएगी ठीक है बस आपको सॉल्व कर देना है ठीक है एवरी वन एवरी वन यस ठीक है डन बच्चों डन डना डन डन ठीक है अब यहां पर एक सवाल और है देखो इस पर बात करते हैं ठीक है एक सवाल और है ये बहुत आसान है तो ये सवाल हम कर लेंगे ठीक है ये सवाल आप लोग कर लोगे तो बड़ा सिंपल सी बात है इन पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ये स्पेशल क्लास में कोई नहीं बेटा जब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो चार्जेस के नेचर को यानी कि प्लस माइनस की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती है बस हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड रखना होता है प्लस माइनस हमें बताता है अट्रैक्शन है या रिपल्शन है दैट्स ऑल, ठीक है क्लियर है अंडरस्टूड एवरी वन अब क्लियर है चलो इस सवाल पर आते हैं यह सवाल बहुत प्यारा अ पॉइंट चार्ज क्यू वन एक्सर्ट अ फोर्स एफ अपॉन अनदर पॉइंट चार्ज क्यू टू इफ थर्ड चार्ज क्यू थ्री बी प्लेस्ड क्वाइट नियर द चार्ज क्यू टू क्यू टू के बहुत पास में देन द फोर्स दैट क्यू वन एक्सर्ट ऑन द चार्ज Q2 टू विल बी अब क्या होगा इसको समझने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा यहां पर जहां हम बात कर रहे थे कि आगे पहले टॉपिक बढ़ाते उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा ठीक है तो हम बात करेंगे सर यहां पर आपको हेडिंग डालनी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुल्स लो क्या हेडिंग डालनी बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ

ठीक है वन और टू के बीच में आपको एक वेक्टर दिखेगा और वो वेक्टर आपको यहां पर अगर नजर आ रहा है वो वेक्टर अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है तो सिंपली आपको इसको लिखना पड़ेगा कि सर ये वाला जो वैल्यू होगा इसको आप लिखेंगे आर टू वन वेक्टर. क्या लिखेंगे बच्चों वन वन से टू की तरफ एक एरो है अब देखो ये Q1 क्या करेगा बेटा इस Q2 को धक्का देगा रिपेल करेगा और एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा उस फोर्स को हम बोलेंगे F21 बोलो यस और नो एवरीवन F21 फोर्स राइट बड़ा सिंपल है वेक्टर फॉर्म ढंग से समझ में आ जाएगा एक बार में कोई दिक्कत नहीं होगी बस सुनते रहिए ठीक है एवरीवन बच्चों चलिए अब आपको लिखना क्या है आपने जैसे ही लिखा f21 फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा तो आप लिखेंगे यहां पर वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना है q1 q2 नीचे आपने r स्क्वायर लिखा लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड है ये तो केवल मैग्नीट्यूड है इसकी डायरेक्शन कहां पर है तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है दिस इज डायरेक्टेड अलोंग ये किस वेक्टर की डायरेक्शन में बेटा अलोंग वेक्टर आर टू वन कहां R2, पर है बेटा अलोंग वेक्टर आर टू वन देखो यहां पर आर टू वन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एफ टू वन है जिस डायरेक्शन में आर टू वन है उसी डायरेक्शन में एफ टू वन है, है कि नहीं तो अब हमने वेक्टर में समझा होता है देखो किसी बच्चे ने अगर बेसिक्स नहीं पढ़े हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता इंटीग्रेशन नहीं आता अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो मैंने मेधावी शॉर्ट्स के नाम से एक सीरीज शुरू करी थी 2023 के लिए उसमें मैंने बेसिक मैथ में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन और वैक्टर अल्जेब्रा पढ़ाया हुआ है आप प्लीज एक बार उसे देख लेना अगर आपको नहीं आता है तो वो बहुत क्विकली आपको न्यूमेरिकल समझने में हेल्प करेंगे ठीक है अंडरस्टूड एवरी बहुत बढ़िया तो यहां पर आपने लिखा सर एफ टू वन वैक्टर तो बच्चों अगर मुझे इस F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी ठीक है दिस अ यूनिट वेक्टर R21। क्योंकि यूनिट वेक्टर में क्या होता है यूनिट वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड वन और होती है डायरेक्शन

ठीक है एक बच्चे का नाम है बेटा बेटा ईशान रॉय समझो थोड़ा सा समझाने के लिए बता देता हूं ईशान रॉय क्या नाम है ईशान रॉय अब ईशान रॉय जो है उसमें ईशान मैग्नीट्यूड है रॉय उसकी डायरेक्शन है ईशान उसकी सरनेम है रॉय उसका डायरेक्शन है ठीक है अब मुझे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति ठीक है हर्षद क्या चाहिए मुझे मेरे को एक नाम दिखाई दिया हर्षद ठीक है अब जो हर्षद है वो केवल मैग्नीट्यूड है लेकिन हर्षद की जो डायरेक्शन है वो ईशान रॉय के डायरेक्शन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई हर्षद को अगर मैं हर्षद को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ध्यान से सुनना हर्षद को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ईशान रॉय डिवाइडेड बाय ईशान से तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर ईशान से ईशान कैंसिल हो गया एंड वी गेट हर्षद रॉय यही काम हमने यहां पर किया यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड सेम रहा हर्षद रिमेन्स हर्षद बेटा लेकिन उसके साथ रॉय ऐड हो गया यहां पर वही काम हुआ इस एफ टू वन की और इस आर टू वन की डायरेक्शन सेम थी इसी वजह से यहां पर क्या हुआ हमने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया अब आ जाओ बच्चों यहां पर जैसे ही तुम लिखोगे ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एपसेल एन नॉट ये होगा सर क्यू वन इंटू क्यू टू नीचे होगा तुम्हारा आर स्क्वायर और यहां पर लिखा जाएगा सर आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर एंड होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड तो आर ही होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा आर ही होगा ये हो गया तुम्हारा एफ वन टू वैक्टर इज दैट क्लियर बच्चों ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर क्या एफ वन टू वैक्टर तो ये वैल्यू निकल कर आ जाती है सामने ठीक है क्लियर है वेक्टर फॉर्म में आ गया अब एक बात और बताते हैं आपको कई बार बच्चा ये सोचता है कि सर ये आपने कैसे पता लगाया कि यहां पर ये R2 वेक्टर माइनस आर वन होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा कौन सा लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर आपने देखा सर R1 वेक्टर और ये R21 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ये R2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देखो जरा ठीक है ये वेक्टर

एवरी अब अगर आपने यहां पर लिखा एफ वन टू क्या लिखा बच्चों आपने एफ वन टू देखो इधर देखो यहां पर आपने एफ टू वन लिखा एफ टू वन था तो यहां पर आर टू माइनस आर वन हुआ एफ टू वन था तो यहां पर आर टू माइनस आर वन हुआ यहां पर एफ वन टू है तो क्या लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा नीचे रहेगा का क्यूब R, R और यहां लिखना पड़ेगा सर आर वन वैक्टर माइनस आर टू इतना सिंपल है वन टू है तो आप लिखो वन माइनस टू अगर टू वन है तो आप लिखो टू माइनस वन ठीक है अब एक और बात है बच्चों एक और बात है सर अगर हम यहां पर देखें तो इस वाले में r2 r1 है और इस वाले में r1 r2 है अगर एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे एक माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो सेम वैल्यू बनाई जा सकती है मतलब यहां से समझ में आता है f12 जो वेक्टर होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर बेटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा बेटा f21 वेक्टर होगा ठीक है यानी कि जो कुम लो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बेटा ठीक है और ऐसा ही एक थेटिकल सवाल अभी आपके सामने यहां पर आया था कुलाम्स लो फॉर द फोर्स ऑफ लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो बहुत क्लोजली किसके हैं तो जैसा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बिल्कुल वैसा ही कुलाम्स लो भी है बेटा बस वहां पर m1 into m2 होता है यहां पर q1 into q2 है वहां पर कांस्टेंट g होता है यहां पर कांस्टेंट k है बाकी सारी चीजें एक्जेक्टली सेम होती है लेकिन न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ग्रेविटेशनल लॉ भी फॉलो करता है और वो कुलाम्स लॉ भी फॉलो करता है तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते ऐसी चीजें बनती है बच्चों राइट यहां पर समझ आया सभी लोगों को बहुत बढ़िया तो अब मैंने आपसे एक बात कही मेरे पास यहां पर देखो दो चार्जेस हैं, ठीक है आई हैव टू चार्जेस एक चार्ज मेरे पास है है एक चार्ज मेरे पास माइक्रो कॉलम मैंने बोला फोर्स ऑन मैंने बोला बेटा फोर्स ऑन सिक्स माइक्रो कॉलम इज थ्री आई प्लस फोर जे देन देन बताइए फोर्स ऑन है ना फोर्स ऑन टू माइक्रो माइक्रोकॉलम्ब पर सिक्स माइक्रोकॉलम्ब पर जो हमारा फोर्स है वो है थ्री आई प्लस फोर जे तो टू माइक्रोकॉलम्ब पर फोर्स कितना होगा ऑप्शन ए थ्री आई प्लस फोर जे सेम होगा ऑप्शन बी माइनस का थ्री आई प्लस का फोर जे होगा ऑप्शन सी प्लस का थ्री आई माइनस का फोर जे होगा बेटा और ऑप्शन डी माइनस का थ्री आई माइनस का फोर जे होगा तो ऑपोजिट होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मैं जब तक ऑप्शन बना रहा था आप लोगों ने 100 परसेंट आंसर कर दिया बच्चों कि यहां पर आई जो है वो भी माइनस हो जाएगा और जे है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा क्या यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई कैसे कैलकुलेशन करना है क्या तरीका होता है ठीक है बहुत बढ़िया अब एक और सवाल आपको कराते हैं उसके बाद फिर आगे लेकर चलते हैं कहानी में कि और क्या क्या पॉजिटिव चीजें यहां पर हो सकती हैं ठीक है राइट बच्चों मजा आ रहा है मजा आ रहा है पढ़ने का वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी अगला सवाल आपके सामने है मैंने आपसे कहा कि क्यू वन इज इक्वस टू क्यू वन इज इक्व टू माइक्रोकॉलम जीरो क्यू टू इज दिक्कस माइक्रोकॉलम्ब चार्ज और उसके जो पोजिशन वैक्टर है वो है टू कॉमा वन कॉमा जीरो टू कॉमा वन कॉमा जीरो आपसे बोला गया है फाइंड आपसे बोला गया है फाइंड फोर्स ऑन फाइंड फोर्स ऑन सिक्स माइक्रोकॉलम चार्ज ड्यू टू किसकी वजह से बेटा टू माइक्रोकॉलम चार्ज यानी कि फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन कैलकुलेट करना है कुल मिलाकर आपको कैलकुलेट करना है आप F2, का वैल्यू कितना होगा समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए ये सवाल है बच्चों राइट आपको कई बारी न्यूमेरिकल कैसा दिया होगा चार्जेस गिवन है और चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको वेक्टर नहीं दिया हुआ है चार्जेस गिवन है चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है राइट स्पेशल क्लास कब होगी इसकी डिटेल्स आपको एक वीडियो में मिल जाएगी बेटा मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग वीडियो टुडे, ठीक है तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग करने वाले हैं क्या टाइमिंग रहेगा और कैसे हम पांच हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सो द एल लेट यू नो है ना मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग आपका तीन से चार रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली ठीक है आपका तीन से चार रहने वाला है hmm. सारे चैप्टर्स हर चैप्टर ऐसे ही होगा हर चैप्टर ऐसे ही होगा बिल्कुल देखो मेरे को खत्म अगर करना हो पांच टॉपिक लेकिन तीन ही खत्म होंगे तो दो मैं अगले दिन खत्म करा दूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है शेड्यूल अगर दो तीन दिन ऊपर नीचे होगा मैंने आपको पहले ही कह दिया है मेरे को पढ़ाना सारी चीजें इतमान से है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज मैंने कितना खत्म किया ठीक है जैसे आज अगर हम देख रहे हैं मैं समय देख रहा हूं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डायपोल रह जाएगा कोई बात नहीं कल कंप्लीट कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है ठीक है तीन बजे केमिस्ट्री होता है तो चेंज कर लेंगे चार बजे रख लेंगे ठीक है चार बजे रख लेंगे ओके किस किस का आंसर आ गया सोल्यूशन कैसा है सबसे पहले आपको पता लगाना है सर आर वन पोजिशन वैक्टर क्या होगा किसका पोजिशन वैक्टर इस चार्ज क्यू वन का पोजिशन वैक्टर और यह पता लगाने का बड़ा आसान तरीका ये X है ये y है ये Z है जो वन जीरो पर यह आई होगा प्लस ये जीरो जे होगा और प्लस ये टू के होगा यह तुम्हारे पास आर वन आ गया उसी तरह से आर टू वैक्टर तुम्हें कैसे निकालना है बेटा वो टू आई हो जाएगा प्लस वो जे हो जाएगा और प्लस वो जीरो के हो जाएगा क्या यह लॉजिक सबको समझ में आ रहा है पहले आर वन और आर टू निकालो अब आपसे पूछा एफ टू वन एफ इस F21 का ना फॉर्मूला देखो फॉर्मूला देखोगे तो वो पता चलेगा सर। डिवाइडेड तो चल लेकिन R नहीं मालूम है तो R कैसे पता लगाएंगे बेटा R पता लगाएंगे आर टू वेक्टर में से आर वन वैक्टर को माइनस करो अब जब तुम माइनस करोगे इस आर टू वैक्टर में से आर वन वैक्टर तो करते माइनस बेटा ठीक है माइनस करना शुरू किया सर ये हो जाएगा टू आई प्लस हो जाएगा जे और प्लस हो जाएगा जीरो के इसमें से माइनस करेंगे आई प्लस जीरो जे प्लस टू के अब हमने किया सर टू आई में से आई जाएगा आई बचेगा जे में से जे जाएगा जीरो जे जाएगा तो प्लस का जे बचेगा जीरो के में से के जाएगा तो माइनस का टू के बचेगा लेकिन आर कैसे निकालना है आर कैसे निकलेगा तो आर निकालने के लिए आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बेटा आर टू माइनस आर वन का जो मैग्नीट्यूड है उसी को आर कहेंगे कोई भी वेक्टर जब आपके पास आ जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है अंडर द रूट ऑफ करके ठीक है अंडर द रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा माइनस टू का होल स्क्वायर ये नहीं किएगा फोर प्लस वन प्लस वन दैट इज रूट सिक्स बेटा क्या आंसर आ रहा है रूट सिक्स आ रहा है सभी लोगों का एवरीवन रूट सिक्स तक क्लियर है वेरी गुड तो रूट सिक्स आ गया बेटा अब आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो आप लिखोगे सर एफ टू वन वैक्टर इज इक्वस टू वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ साइल ये जो वैल्यू है 1 0, इसको लिखा जाएगा नाइन इंटू मे टेन रेस्ट टू दी पावर नाइन बेटा क्या लिखा जाएगा नाइन इंटू में टेन टू दी पावर नाइन ठीक और दूसरा क्यू वन इंटू क्यू टू टू इन टू सिक्स अच्छा टू किस में है बेटा टू तुम्हारा माइक्रो कॉलम में है तो इसके लिए यहां पर एक टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स और सिक्स भी तुम्हारा माइक्रो कॉलम में है तो उसके लिए भी टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स तो यहां पर दो टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स आएंगे और नीचे आएगा तुम्हारा R का क्यूब यानी कि रूट 6 का क्यूब होगा और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा आर टू वन वैक्टर बेटा ठीक है जगह कम थी इसलिए मैंने आर टू वन वैक्टर लिख लिया सारा कुछ हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है सर नाइन इंटू नाइन इं टू इंटू सिक्स इं में टेन रेस टू दी पावर यहाँ पर माइनस का थ्री बच रहा है बेटा रूट सिक्स का क्यूब है सॉरी रूट सिक्स का क्यूब है हाँ 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 रूट हा। सिक्स का क्यूब है तो रूट सिक्स के क्यूब का मतलब हो जाएगा सर सिक्स रूट सिक्स और यहाँ पर इन में हो जाएगा आपका आई प्लस जे माइनस का टू के ये जो वेक्टर था ना ये वाला ये वाला वेक्टर आर टू माइनस आर वन ठीक है अब बच्चों आप यहां पर देखोगे सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हुआ अगर आपने यहां पर रूट सिक्स का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी अगर आपने रूट सिक्स का डिवाइड किया डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा तो टू से ये थ्री टाइम्स चला जाएगा थ्री से ये थ्री टाइम्स जाएगा तो करेक्ट आंसर वुड बी थ्री इंटू रूट सिक्स इंटू मै टेन रेस्ट टू दावर माइनस थ्री और वैल्यू आ जाएगी सर आई प्लस जे माइनस का टू के दिस ज दी आंसर सबका आया बच्चों सबका आया कि नहीं थ्री इंटू में टेन रेस्ट टू दी पावर कितना थ्री इंटू में टेन रेस्ट टू दी पावर थ्री इंटू रूट टू सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं थ्री इंटू रूट सिक्स टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस थ्री बच्चों यहां तक क्लियर है सब लोगों को यहां तक क्लियर है तो अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ऐसे अतरंगी बात पूछी जाए तो यहां पर कोई दिक्कत होगी क्या कोई परेशानी नहीं होगी सर बड़ा सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कुलाम्स लो बहुत अच्छे से यहां पर हमें समझ में आ गया और इसका वेक्टर फॉर्म तो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया पूरा वेक्टर फॉर्म अगर समझ में आ गया तो एक बार मैं आपके हार्ट जानना चाहूंगा चार्ट सेक्शन में थम्सअप के साथ बेटा ठीक है अंडरस्टूड एवरी ठीक है मैं बता दूं बेटा फिजिक्स की क्लासेस हर दिन सुबह सात बजे होती है बायो की दोपहर साढ़े बारह बजे केमिस्ट्री की रात को आठ बजे ये ड्यूरेशन रहने वाले हैं ठीक है ठेके? रूट सिक्स कहाँ गया सर अरे रूट सिक्स में मल्टीप्लाई रूट सिक्स को डिवाइड रूट सिक्स रूट सिक्स क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा टू से सिक्स थ्री टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है ओके यस वेरी गुड वेरी गुड चलो अब आगे, आगे बात करते हैं ठीक है आगे बात करते हैं हेडिंग डालेंगे सर लो जो है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या फॉलो करता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यह क्या चीज होती है इसको समझो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बड़ा सिंपल सा रूल है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन देखो यहां पर मान लीजिए एक चार्ज क्यूनॉट है और इस क्यूनोट के आजू बाजू ठीक है बेटा माइनस ट्वेल्व नहीं होगा समझो यहां पर प्लस का नाइन और माइनस ट्वेल्व कैंसिल आउट होंगे तो केवल माइनस का थ्री बचेगा ना मतलब कैलकुलेशन पर तो ध्यान दे लो ओके जी ग्रेट देखो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है कुछ भी दिया नहीं है सब कुछ आपको करना है इसलिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया बट सीखना तो पड़ेगा ना यार बच्चों देखो जरूरी एक सीखना पड़ेगा नीट में सवाल बहुत हल्के बहुत हल्के आते हैं लेकिन यार वो फिर वो सुपरफिशियल लगेगा सेशन अगर ऊपर ऊपर से हो जाए मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाता ही नहीं मेथड ऑफ तो चार्जिंग पढ़ाता ही नहीं सीधा ऊपर ऊपर से सवाल करते हैं तो कितना वैसा सवाल लगता है ठीक है अब देखो तुम्हें यहाँ पर है ना हम लोगों ने जो आ, काम किया हुआ है उसमें आपको एक सवाल मिलेगा देखो अब चलते हैं यहाँ पर ठीक है सवाल मिलेगा आपको बहुत प्यारा वाला ठीक है ये रहा ये रहा अब अगर चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं पड़ा होता ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं जरा बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल मैटलिक विध टेन एंड माइनस ट्वेंटी यूनिट ऑफ चार्ज इफ बोथ spheres फर्स्ट ब्रॉट brought into contact विद ईच अदर एंड देन आर placed टू their प्रीवियस position देन द रेशियो ऑफ द forces इन द टू सिचुएशन विल बी पहले जो स्पीय हैं पहले जो स्फीयर्स हैं ऐसे हैं और आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं बेटा आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और इन आइडेंटिकल स्फीयर में वो ये कह रहा है इन आइडेंटिकल स्फीयर में एक के पास चार्ज टेन है और एक के पास चार्ज माइनस ट्वेंटी है भाई फोर्स क्या होगा फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सिंपल सी बात है फोर्स ये होता है अब जब तुम इन दोनों को इन दोनों को क्या करोगे टच करके सेपरेट कर दोगे तो यहां पर चार्जेस टेन और माइनस ट्वेंटी नहीं रहने वाले वो चेंज हो जाएंगे अब क्या चेंज होंगे ये आपको सिखा रखा है क्या चेंज होंगे ये आपको सिखा रखा है बोलो यस और नो एवरी भाई क्या चेंज होंगे सर सीधी सी बात है इन दोनों का टोटल चार्ज देखो ना माइनस टेन होगा माइनस टेन होगा और आइडेंटिकल लिखा है माइनस टेन होगा आइडेंटिकल लिखा है आइडेंटिकल लिखा है तो सर यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर चार्ज होगा माइनस तो तो का फाइव यहाँ पर भी चार्ज होगा माइनस का फाइव और फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है तो आप लिखोगे एफ डिवाइडेड बाई एफ प्राइम का रेशियो इज इक्व टू ऊपर लिखोगे टेन इन टू में यहां पर क्या बच्चों माइनस का ट्वेंटी बच्चों पर क्या माइनस का फाइव इन टू में माइनस का फाइव माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया यहां पर पांच बीस हो गया यहां पर पांच धोनी दस हो गया आंसर आ रहा है माइनस का एट बाई वन माइनस का एट बाई वन यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए हो गया अब इसमें बताओ है तो कुल्स लो कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू लेकिन साथ ही साथ चार्जिंग बाय कंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी है तो चार्जेस माइनस फाइव माइनस फाइव कैसे हुए ये तुरंत तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि चार्जिंग बाय कंडक्शन तुमने पढ़ा हुआ था बोलो ये सर एवरी वन क्लियर है बच्चों ओपी सवाल है ठीक है अगला सवाल देखो यहां पर वो बोल रहा है अच्छा ये तो 50 परसेंट ट्रांसफर किया तो ये तो तुम खुद से कर सकते हो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना इस सवाल का मैं शेयर भी कर दूंगा नोट्स में बेटा 50 परसेंट ट्रांसफर कर रहा है अरे भाई 50 परसेंट ट्रांसफर करेगा तो क्यों बाई टू क्यों बाई टू बचेगा एफ बाई क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विद द चार्ज इज एफ बेटा फिफ्टी परसेंट ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द सेकेंड फोर्स विल बी नया फोर्स क्या होगा देखो जरा सेम ही तो सवाल है जो अपन ने 25 परसेंट वाला किया था लेकिन यहां पर बोला गया है आइडेंटिकल स्पेस चार्ज विद सेम चार्ज बच्चों सवाल में डिफरेंस बस इतना सा सा है है सवाल में डिफरेंस बस इतना सा है कि या उस वाले क्वेश्चन में एक प्लस और एक माइनस था यहां पर दोनों प्लस प्लस है अब दोनों अगर प्लस प्लस है तो पहला वाला यहां पर क्या होगा एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर और जब यहां से 50 परसेंट ट्रांसफर होगा यानी क्यू बाय टू तो नया चार्ज कितना बचेगा यहां पर q बाई टू यहां पर नया चार्ज कितना हो जाएगा थ्री क्यू बाय टू दैट्स ऑल तो आंसर क्या आएगा भाई एफ प्राइम की जब आप बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई टू मल्टीप्लाई आपको लिखना पड़ेगा थ्री क्यू बाई टू तो कितना आ रहा है बेटा थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर ऑप्शन ए हो जाएगा इतना तो आसान होता है ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या बोल दिया अब इसको देखो जरा बहुत ही प्यारा सवाल है टू पॉइंट चार्जेस प्लस टू माइक्रोकॉलम प्लस सिक्स माइक्रोकॉलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ ट्वेल्व न्यूटन फोर माइक्रोकॉलम देन force विल बी देखो वो ये बोल रहा है सुनना ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पर अगर आपके पास में टू माइक्रोकॉलम है यहां पर अगर आपके पास में सिक्स माइक्रोकॉलम है तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर फोर्स ऑफ ट्वेल्व न्यूटन ये गिवन है आपको ठीक है अब आपने क्या किया अब आपने यहां पर <laughs> अब आपने यहां पर क्या किया बेटा अब आपने यहां पर एड किया आपने यहां पर क्या किया बच्चों इसमें ऐड किया कितना ऐड किया माइनस फोर माइक्रो कॉलम और इसमें भी आपने ऐड किया माइनस का फोर कॉलम जब ऐड किया तो यहां पर प्लस और माइनस होके माइनस का टू माइक्रो कॉलम हो गया और यहां पर प्लस माइनस होकर क्या हो गया बेटा प्लस का टू माइक्रो कॉलम हो गया एवरी वन चार्ज बदल गया ना चार्ज बदल गया अब जैसे ही चार्ज बदला तुम क्या लिखोगे सर जो फोर्स होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है सीधी सी बात है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो अपन क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कि सर एफ डिवाइडेड बाई एफ प्राइम इज इक्वस टू Q1 वन इंटू और नीचे लिखेंगे सर Q1 वन प्राइम इंटू मई क्यू टू प्राइम सर F मेरे पास 12 था F प्राइम मेरे को निकालना था पहले वाले चार्जेस कितने थे सर टू थे एंड सिक्स थे अब वाले चार्जेस कितने बेटा टू एंड टू है यहां पर टू से टू कैंसिल होगा ये इसको थ्री करेगा तो एफ प्राइम का वैल्यू कितना आएगा फोर लेकिन अब सुनने वाली बात है ध्यान से देखो अब सुनने वाली बात है कि एफ प्राइम का वैल्यू फोर तो आ गया लेकिन फोर अट्रैक्टिव या फोर रिपल्सिव तो ये समझ में आएगा यहां नेचर देखकर ये समझ में आएगा यहां पर नेचर देखकर बेटा एक प्लस है एक माइनस है तो ये फोर अट्रैक्टिव होगा ये कैसा हो जाएगा सर फोर न्यूटन होगा बट अट्रैक्टिव होगा बोलो यस और एवरी वन समझ आया सभी लोगों को क्लियर है यहां तक एक भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है ना बस मेरे को ये चाहिए ठीक है एक भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है ना मेरे को ये बात चाहिए ठीक है अगला देखो कूलामस लॉ की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे मजा आ जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर कितना एफ फोर्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर एट विच दे एक्सपीरियंस फोर्स 4 एफ व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 इज आर की वैल्यू क्या होगी क्या बोल रहा है बेटा आर की वैल्यू क्या होगी जहां पर नया फोर्स पुराने फोर्स का क्या हो जाएगा ठीक है नया फोर्स पुराना फोर्स सेम हो जाए अरे वाह सवाल बहुत प्यारा है बोल रहा है एट विच द एक्सपीरियंस फोर्स फोर एफ अच्छा नहीं फोर एफ बोला है यहां पर बोल रहा है कि फोर्स आपका फोर एफ हो जाए और उसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कंसिडर करना है बढ़िया बात है ये दो कंडीशन है बेटा आपने क्या समझा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर दो चार्जेस एयर में हो बेटा दो चार्जेस किस में रखे हो एयर और वैक्यूम में ठीक है तो फोर्स क्या होता है यहां पर फोर्स होता है एफ ई वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एपसल नॉट क्यू वन इन टू क्यू टू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एवरी वन यस होना बचो गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग राइट टेलीग्राम माही सर के नाम से सर्च करना मिल जाएगा लेकिन अगर सेम चार्जेस को आप किसी और मीडियम में रख दो सेम चार्जेस को आप किसी और मीडियम में रख दो तो यहाँ पर वो क्या होता था बेटा के टाइम्स रिड्यूस होता था के टाइम्स रिड्यूस होता था तो नया जो फोर्स होगा उसको लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर कितना तो आपको लिखना पड़ेगा बहुत सिंपल सी बात है वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एफ सेवन नॉट इन टू में आपको लिखना है सर क्यू वन इंटू क्यू टू नीचे आपको लिखना है यहाँ पर क्या एक के वैल्यू और यहाँ पर आर स्क्वायर आता था के टाइम्स लेकिन अब उसने क्या बोला अब उसने ये बोला है कि मुझे तो सवाल में ये चाहिए कि मेरा नया फोर्स जो है वो चार गुना हो जाए कम ना हो टाइम्स कम ना हो चार गुना हो जाए चार गुना कैसे हो सकता है लिखते हैं जरा ये जो फोर्स होगा बेटा एफ प्राइम इसको तुम क्या लिखोगे वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सल नॉट

स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आ रहा है सभी लोगों का एवरी वन आर का वैल्यू क्या आ रहा है कैपिटल आर का वैल्यू आ रहा है स्मॉल आर डिवाइडेड by रूट के ये एक फॉर्मूला हो गया अगर आपको यहाँ अच्छा एक और बात थी यार ये फोर भी साथ में जाएगा है ना तो फोर का टू आ जाएगा ये फोर भी साथ में जाएगा फोर टाइम्स बोला था ना उसने तो ये टू भी साथ में जाएगा तो यहां पर अब आपको क्या करना है वैल्यू रखनी है तो कैपिटल आर इज इक्व टू टू तो एज इट इज रहेगा स्मॉल आर एज इट इज रहेगा ये हो जाएगा सर अंडर द रूट ऑफ सिक्सटीन सिक्सटीन का फोर बाहर आएगा तो आर बाई टू आर बाई एट अच्छा ये फोर नीचे जाना चाहिए था यार रुको 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 रुको, रुको एक गड़बड़ हो गई मेरे से एक गड़बड़ हो गई बेटा मेरे से है ना ये फोर नीचे जाता आर स्क्वायर है ना तो ये फोर नीचे आता ये फोर नीचे आता तो हाँ ये फोर नीचे आता तो ये ये टू नीचे जाता अब ये टू नीचे जाता तो यहाँ पर ये टू भी नीचे आता और अगर ये टू नीचे आएगा तो ये वैल्यू आर बाई एट आ रही है हाँ आई अपोलॉजी ठीक है मैंने गड़बड़ कर दिया था कैलकुलेशन में आर बाई एट कितना हो गया बच्चों आर बाई एट हो गया समझे कि नहीं समझे तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो क्या दिक्कत है भाई आने दो कंडीशंस गिवन है कि अगर मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स वन बाई के होता है लेकिन यहां पर सेपरेशन क्यों चेंज करना पड़ा क्योंकि वो बोल रहा है कि फोर्स फोर एफ हो जाएगा तो नया सेपरेशन कितना होगा नया सेपरेशन कैपिटल आर मान लिया फोर्स की कंडीशन गिवन है कि वो चार गुना होगा तो हमने यहां पर लिख लिया बेटा चार गुना करके ठीक है बस एफ प्राइम इज इक्वल टू फोर एफ ये कंडीशन गिवन थी एफ प्राइम की वैल्यू में आपने नीचे के क्यों डाला क्योंकि डाय इलेक्ट्रिक चेंज हो गया मटेरियल चेंज हो गया नीचे कैपिटल आरस को क्यों किया क्योंकि सेपरेशन भी चेंज कर रहे हैं फोर का मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ये वाला एफ ऐसा क्यों होगा क्योंकि एयर में जब रखे जाएंगे तो ये फोर्स यही होता है ठीक है जी आर स्क्वायर हमने क्यों किया क्योंकि वो बोल रहा है कि जब तुम चार्जेस को किसी और मीडियम में रख रहे हो तो वहां सेपरेशन को चेंज कर दिया तुमने वहां सेपरेशन को क्या कर दिया बेटा चेंज कर दिया और इस तरह से चेंज किया कि मीडियम के चेंज होने से फोर्स तुम्हारा कम होना चाहिए था लेकिन यहां फोर्स उसने चार गुना बढ़ाया तो सेपरेशन तुम्हें कम करना पड़ेगा और यही तो हुआ हमारा सेपरेशन आर बाई आ गया यस और नो एवरी बच्चों समझ में आया तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना ये आर स्क्वायर देखो तो यह आर फाइनल वैल्यू कैसी आ रही थी ऐसी आ रही थी एक बार मैं बता देता हूं फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू आपके पास आ रही थी डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय स्क्वायर इज टू स्मॉल आर स्क्वायर तो यहां से आपको ना आर स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना था तो वो हो जाता बेटा यहां पर कितना स्मॉल आर स्क्वायर ऊपर आता नीचे आ जाता आपका फोर तो इसीलिए यहां पर बना बेटा टू रूट के डन क्लियर है जी सबको चलो बहुत बढ़िया अगला सवाल ये बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है और यह पीवाई क्यू भी है ये पीवाई क्यू भी है बेटा ठीक है बहुत प्यारा सवाल है और ये पीवाई क्यू भी है अब इसको समझो ठीक है जल्दी से सर बस दो तीन चीजें और है बेटा जो फोर्स से रिलेटेड है वो कंप्लीट करके फिर बस करेंगे ठीक है दो तीन चीजें और है जो फोर्स से रिलेटेड है उनको कंप्लीट करके फिर बंद करेंगे ठीक है हाँ मैंने पहले कहा था कि अगर तुम लोगों को नीट करना है समय कम है तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा यू पीपल गॉट सेचूरेट आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन एक दिन की बात है दो दिन की बात है ठीक है आप जब लगातार तीन दिन चार दिन क्लासेस अटेंड कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोग एक लेवल पर आ जाओगे फिर आप सेच्येट नहीं होगे फिर आप समझने लगोगे सारी चीज़ों को ठीक है चलिए क्या बोल रहा है two identical small sphere carry charge of q1 and q2 with q1 is much much larger than q2 the charges are d distance apart the force they exert on one another is f beta चार्जेस कहाँ रखे गए हैं डी डिस्टेंस अपार्ट यहाँ पर बोला गया है ये Q1 है यहाँ पर ये यह Q2 है इनके बीच की सेपरेशन D है और यहाँ पर फोर्स जो है वो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इस तरह से ठीक है वेरी गुड और ये फोर्स कौन सा बच्चों F1 है नाउ द स्फीयर्स आर मेड टू टच वन अनदर एंड देन सेपरेटेड टू डिस्टेंस D अपार्ट द फोर्स द एग्जर्ट ऑन वन अनादर नाउ इज F2 द रेशियो ऑफ F1 बाय F2 इज अब क्या किया दोनों स्पीयर को टच किया अब देखो यहां पर जरा सवाल स्पीय को टच करने वाले आते हैं मजे आ जाते हैं ना नो इंक्रीज योर स्टेमिना स्लोली स्लोली बेटा हो जाएगा धीरे धीरे आज अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है किया है बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं ठीक है और यही सारी चीजें अब अपन कल इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे तो आज फोर्स खत्म हो जाएगा तो हमारा ज्यादा कैरी ओवर नहीं होगा ना अच्छा क्या बोला बेटा टू आइडेंटिकल स्पियर इसके पास चार्ज कितना था क्यू वन था इसके पास चार्ज कितना था क्यू टू था touching, after contact, after touch, क्या होना बताओ जल्दी से कमॉन्ट एवरी वन आफ्टर कॉन्टैक्ट आफ्टर टच क्या होना चाहिए तो तुम लिखोगे सर आफ्टर टच यहां पर चार्जेस के वैल्यूज चेंज होंगे चेंज क्या होंगे बेटा प्राइम, प्राइम हो जाएंगे और वैल्यू आएगी टोटल चार्ज की हाफ क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई टू एवरी वन यस और नो बच्चो टोटल चार्ज की हाफ वैल्यू आएगी ना आएगी कि नहीं टोटल चार्ज की हाफ वैल्यू आएगी अब मैं थोड़ा सा इधर होता हूं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है टोटल चार्ज का हाफ वैल्यू होगा या फिर एक काम करते हैं चलो यहां पर ना एक नई स्लाइड ले लेते हैं टोटल चार्ज का हाफ वैल्यू हुआ तो अब तुम यहां पर देख रहे हो कि जो क्यू प्राइम है उसकी वैल्यू आ रही है बच्चों क्यू ठीक है सॉरी क्यू प्लस क्या आ रहा है बेटा क्यू एंड होल डिवाइडेड बाय आ रहा है टू बट बट सुनो जरा ध्यान से बट तुम्हें ये दिया हुआ है कि Q1 वन इज मच 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 लार्जर देन Q2, तो बच्चों क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यू वन प्लस क्यू टू नियरली बाई टू को नियरली लिखा जा सकता है क्योंकि Q1 बहुत बड़ा है तो Q2 की वैल्यूज के कंपेरिजन में बिल्कुल छोटी है अगर q1 बहुत बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में उसके कंपैरिजन में जो वैल्यू होगा q2 का वो तो बहुत छोटा होगा तो मैंने इसको क्या लिख लिया बेटा q1 by 2 यानी कि जो मेरा q1 प्राइम है और जो q2 प्राइम है उन दोनों का ही वैल्यू q1 डिवाइडेड बाय 2 होगा राइट बच्चों कितना होगा q1 डिवाइडेड बाय 2 होगा अब क्या करना है नया फोर्स जब हम लिखेंगे f2 तो वो लिखा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा बेटा फोर क्यू वन इंटू टू इंटू क्यू वन इंटू टू क्यू वन बाई टू इंटू क्यू वन बाई टू एवरी वन इतना तो बड़ा लिख दिया यार यस yes, बताओ जल्दी से है ना तो बच्चों पहले वाला फोर्स जो F1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है Q1 इंटू क्यू टू तो आपको फोर्स का मैग यहां पर चाहिए एफ वन डिवाइडेड बाई एफ टू प्रपोर्शनलिटी हट जाएगी ये आएगा सर क्यू वन इन टू क्यू टू होल डिवाइडेड बाय आएगा आपका यहां पर क्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर रिजल्ट आ रहा है फोर क्यू टू डिडेड बाई क्यू वन फोर क्यू टू डिडेड बाई क्यू वन फोर क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बोलो आया कि नहीं आया सब लोगों को समझ में दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये सिंपल तरीके होते हैं बच्चों ऐसे अगर करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे अगर सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे ठीक है बच्चों समझ आया सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बढ़िया एकदम बढ़िया ठीक है चलो अब एक बात और करते हैं अब एक बात और करते हैं ठीक है चलो अब यहां तक क्लियरिटी थी यहां तक क्लैरिटी थी है ना सुपर पोजिशन समझा रहा था मैं सुपर पोजिशन समझा रहा था मैं ठीक है यस जल्दी बताओ दो स्फीयर्स थे जिनके पास चार्ज Q1 और Q2 टू थे और उनको जैसे ही आपने टच करके अपार्ट किया चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए शेयर हुए एक दूसरे के साथ तो नया चार्ज हो गया Q1 वन प्लस क्यू नया चार्ज क्या हो गया बेटा नया चार्ज हो गया यहां पर Q1 वन प्लस क्यू टू डिड बाई टू क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर थे यही तो किया हम लोगों ने लेकिन फिर मैंने उसको क्यू वन क्यों लिख लिया क्योंकि कंडीशन गिवन है तो अब पहले वाला चार्ज क्या है बेटा क्यू वन हो जाएगा पहले वाला फोर्स और दूसरे वाला फोर्स क्या होगा Q1 वन इंटू टू वन बाय टू इंटू क्यू वन बाय टू तो हो जाएगा क्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर यही तो अपन ने किया दोनों का रेशियो निकाल लिया एंड वी गॉट डी आंसर सिंपल सा सवाल था ठीक है सिंपल सा सवाल था अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है

क्लियर जी आसान है जी चलो बहुत बढ़िया अब आ जाओ आ जाओ एक एग्जांपल कराते हैं, एक सवाल कराते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों अगर मैंने आपसे ये कहा अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है हमारे पास एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल है क्या है बच्चों एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है ये सेपरेशन ए है ये सेपरेशन ए है ये सेपरेशन ए है इस इक्विलेट्रल ट्राइंगल के हर कोने पर इस इक्विलेट्रल ट्राइंगल के हर कोने पर एक चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज क्यू है वो चार्ज क्या है बच्चों क्यू है तो आपसे पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स फाइंड नेट फोर्स फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए जो कॉर्नर ए पर रखा गया है कॉर्नर ए पर जो चार्ज रखा गया उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था ये और बहुत आसानी से कैलकुलेट हो रहा है लेकिन आपको देखना क्या था समझना क्या था उस पर बात करते ठीक है बच्चों सर बस करो प्लीज जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बेटा उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ उसके बाद इससे एडिशनल प्रैक्टिस जितनी भी हैं गुलाम्स लो की ये हम एक स्पेशल क्लास में करेंगे ठीक है वो हम स्पेशल क्लास में कर लेंगे ठीक है वो हम स्पेशल क्लास में कर लेंगे चलेगा चलेगा बच्चों ओके okay? हाँ। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है यहां पे ये वाला प्लस क्यू इसको धक्का देगा ये वाला प्लस क्यू भी इसको धक्का देगा बोलो हाँ या ना तो हमें सॉल्यूशन में ये बात समझ में आती है कि सर ये प्लस इसको रिपेल करेगा ये प्लस भी इसको रिपेल करेगा और जब दोनों रिपेल कर रहे हैं जब दोनों रिपेल कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड देखो जरा दोनों का मैग्नीट्यूड देखो कि दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है अगर ये वाला एंगल नीचे सिक्सटी डिग्री है तो ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री हुआ तो डायरेक्ट आंसर करना है बच्चों डायरेक्ट आंसर करना है इसका जो नेट फोर्स होगा ना वो ऐसे थर्टी डिग्री पर होगा और उसका वैल्यू होगा एफ इज इक्वस टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अगर आंसर यहाँ पर क्या है बेटा डायरेक्ट निकालना हो तो ये तरीका कहाँ से आता वेक्टर से तो जो वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है वेक्टर एडिशन उसे जाकर ज़रूर देखना मेधावी शॉर्ट्स के नाम से आपको मिलेगा बेटा मेधावी शॉर्ट्स में डिफ्रेंशिएशन मिलेगा मेधावी शॉर्ट्स में इंटीग्रेशन मिलेगा मेधावी शॉर्ट्स में वेक्टर एडिशन मेधावी शॉर्ट्स में डॉट प्रोडक्ट मेधावी शॉर्ट्स में क्रॉस प्रोडक्ट पांच लेक्चर लगभग एक घंटे का ड्यूरेशन है वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है इसका एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि भाई हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे कंपोनेंट लेंगे फिर इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे इधर एक कंपोनेंट लेंगे दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे ऊपर वाले ऐड करेंगे बड़ा लंबा मेथड है वैसे नहीं सॉल्व करना अपने को ठीक है क्लियर है जी चलो अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको समझाने का तरीका बनाते हैं ठीक है उनको समझाने का तरीका बनाते हैं जब दो फोर्सेस यहां पर एक दूसरे के साथ कैसे हैं बेटा यहां पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे एफ वन स्क्वायर प्लस निकालोगे एफ टू स्क्वायर प्लस यूज करोगे सर टू एफ वन एफ टू और कॉस ऑफ एंगल थीटा अच्छा बच्चों अगर फोर्स F1 और F2 बराबर हो जाए और एंगल थीटा इज टू सिक्सटी डिग्री हो जाए तो यहां पर F नेट को क्या लिखोगे सुनो ध्यान से F नेट को तुम लिखोगे अंडर द रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर और ये कॉस्ट सिक्सटी मतलब वन बाई टू ठीक है टू से टू कैंसिल हो रहा है टू से टू कैंसिल हो रहा है बच्चों अरे अरे टू से टू कैंसिल हो रहा है ना तो टू से टू कैंसिल होगा तो ये अंडर रूट में आ रहा है थ्री टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर एफ तुम्हारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट में थ्री बचेगा और एफ का वैल्यू हमने इसको कहा है तो कैसे आया रूट थ्री अब समझ आया सभी लोगों को कैसे आया रूट थ्री अब समझ आया बच्चों वेरी गुड एक लास्ट सवाल और कर लें एक लास्ट सवाल और कर लें हाँ एम एस जुगाड़ इज बेस्ट राइट चलो चलो जी वन लास्ट क्वेश्चन ठीक है वन लास्ट क्वेश्चन वन लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा जो है बड़े दिनों बाद इतना लंबा क्लास हुआ है तो थोड़ा लग सकता है कि हाँ यार ये है ना अब देखो यहाँ पर एक चार्ज है बेटा क्यू यहाँ पर एक चार्ज है बेटा क्यू ठीक है यहाँ पर एक चार्ज है बेटा क्यू दिख रहा है सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पर एक चार्ज है क्यू यहाँ पर एक चार्ज है क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है क्यू अब मैंने आपसे कहा एक बात सुनो ध्यान से मैंने आपसे एक बात कहा फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस डेट पॉइंट ए ठीक है ठीक है क्या पूछा बेटा एफ नेट कितना होगा एट ए एट ए देखो जरा जल्दी देखो रूट टू एफ अच्छा कैसे रूट टू एफ सर ये वाला जो एफ है ना ये वाला एफ इसको धक्का देगा ये वाला फोर्स ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा धक्का देगा तो यहां पर क्या बनेंगे बेटा यहां पर देखो एक फोर्स इधर आएगा और ये जो फोर्स आएगा ना ये फोर्स इधर आएगा ये वाला फोर्स इधर आएगा और जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जब आप चेक करोगे बेटा तो ये आएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यह भी आएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दोनों के बीच में एंगल तुम्हारा नाइन्टी डिग्री होगा नाइनटी डिग्री अगर एंगल है और मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा मैग्नीट्यूड बराबर है एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों हो पर रिजल्टेंट होगा इनके बात पर रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्टर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज दैट क्लियर रूट टू टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अब चलो एक और सवाल कर लें वन लास्ट वन लास्ट बोलेंगे सर आपकी तो जो है ना भूख खत्म ही नहीं हो रही वन लास्ट वन लास्ट वन लास्ट बोले जा रहे हो ठीक है हाँ जी वेरी गुड अब मैंने बस इतना सा चेंज किया कि एक और चार्ज यहाँ पर क्यों रख दिया अब मैंने आपसे पूछा है सेम सवाल फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए अब मैंने क्या किया बेटा अब मैंने क्या किया यहां पर मैंने बस एक चार्ज क्यू और रख दिया इस कोने पर अब बताओ बस अब एक चीज यहां पर हो गई कि सर इसका जो फोर्स था इसका जो फोर्स था और इसका जो फोर्स था उनका रिजल्टेंट तो ये हो गया लेकिन अब ये वाला क्यू भी इसको क्या करेगा बेटा धक्का देगा बोलो हां कि ना अरे भाई ये वाला क्यू भी क्या करेगा यहां से लगाकर यहां तक इसको ऐसे धक्का देगा और जब धक्का देगा तो यह वाला फोर्स कितना होगा बच्चों वाला फोर्स यहां पर इसमें क्योंकि देखो एड क्यों होगा एड इसलिए होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड हो जाएंगे तो यहां पर प्लस आएगा आपका के क्यू स्क्तर डिवाइडेड बाई सेपरेशन होगा रूट टू ए का होल स्क्वायर स्क् वाला सेपरेशन तुम्हारा रूट टू ए होगा तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा यहां से के क्यू को कॉमन कर दो अंदर बचेगा √2 और प्लस बचेगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2 एवरीवन ये आंसर आ गया ऐसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल इतने आसानी से हो जाते हैं ठीक है अब न्यूमेरिकल और ज्यादा हमें करने हैं चीजों को समझना है तो हम स्पेशल क्लास ठीक है हमें स्पेशल क्लास रखनी पड़ेगी ठीक है तो स्पेशल क्लास रखेंगे और स्पेशल क्लास में और ज्यादा चीजें हम वहां पर सॉल्व करेंगे ठीक है तो विल कीप इट स्पेशल क्लास एट सेवन रख लें आज जल्दी बताओ नोट्स आपको लिंक ट्री की प्रोफाइल से मिल जाएंगे बेटा लिंक टी आर डॉट ई ई लाइव यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है टेन पी एम अरे 10 बहुत लेट हो जाएगा यार सुबह सात बजे उठना भी होता है ओके आई विल शेड्यूल एंड अपडेट यू ठीक है विल शेड्यूल एंड अपडेट यू ठीक है लिंक ट्री की प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल सिंपली सर्च करोगे माही सर के नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा बच्चों एक छोटी सी बात यह है जो मैंने आपको अभी बतानी है ठीक है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट वो ये कि नीट यू जी के डेट्स जब अनाउंस हुए तो अकेडमी ने आप लोगों के लिए डिसीजन लिया कि यार हमारे यहां पर केवल सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन लिस्ट हुआ करता था अब हमने आपको फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाया है विच इज जस्ट एट दी कॉस्ट ऑफ साढ़े सोलह हजार रुपए बेटा और आपको पूरा एक महीना एडिशनल यहां पर मिल जाएगा लगभग 25 परसेंट आप लोगों की सेविंग हो रही है और आप इस महासंग्राम बैच का हिस्सा हो जाएंगे यूट्यूब पर तो फिर भी थोड़ा सा कम इंटरैक्टिव हो पाता मैंने पूरी कोशिश करी देखिए इंटरैक्टिव सेशन बनाने की ठीक है लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर 100 परसेंट इंटरक्शन के साथ बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके कंट्री के टॉप एजुकेटर आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के करीब ले जाने की पूरी तैयारी करवा रहे होंगे ये शुरू होने जा रहा है 22 दिसंबर से बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करो अगर अफोर्ड कर सकते हो एक परसेंट भी चांस है तो एम एस लाइव कोड यूज़ करो और आज ही यह सब्सक्रिप्शन डन कर लो बेटा अगर नहीं ठीक है आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो यूट्यूब पर डेली आपको सात बजे अवेलेबल रहना है सुबह सात बजे मैंने कहा था सात से दस मतलब सात से दस बेटा हमारा दस बज गया देखो सात बजे हमने शुरू किया दस बज गया ठीक है तो बजेदार हमने आज का सेशन कंप्लीट किया है ठीक है बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हर चीज जैसा मैंने वादा किया था अब इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट दो लेक्चर में कंप्लीट होना था ये तीन में कंप्लीट होगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है यस और नो एवरी सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप यू एंजॉय दिस सेशन अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट जरूर करके जाइएगा ठीक है एंड uh, अब बच्चों एक चीज और है स्पेशल क्लासेस बिल्कुल मिस मत करना स्पेशल क्लासेस अटेंड करना स्पेशल क्लासेस में आना वहां पर आकर जितने भी डाउट्स हैं अगर मान लीजिए यूट्यूब की क्लास में कोई डाउट रह गया तो वो वहां पर तुम पूछ सकते हो एडिशनल तुमने न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस करी तो वो डाउट तुम वहां पर पूछ सकते हो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं नोट्स भी शेयर करूंगा उस पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट मॉड्यूल भी शेयर करूंगा जो तुम्हें सॉल्व करना है ठीक है मेरा खुद का बनाया हुआ मॉड्यूल है आपको काफी मजा आएगा सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए लव यू ऑल ऑल दी वेरी बेस्ट और बेटा अगर कोई इंदौर शहर में है ना अगर मास्टर प्रो बेच जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है ड्रॉपर्स बच्चों के लिए स्पेशली ठीक है और मैं वहां पर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एडिशनल थर्टी परसेंट डिस्काउंट वहां पर आपको आने से मिल सकता है तो अगर आप इंदौर में रहते हैं इंदौर के आसपास रहते हैं या इंदौर में शिफ्ट हो सकते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म फॉर्म मिलेगा लिंक मिलेगी उसे फिल करिए और आप आ जाइए मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ने के लिए ठीक है सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टिल देन विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट बाय बाय गाइस टेक केयर अपना ख्याल रखें अगर आप में से कोई बच्चा जनकपुरी या डेली में ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहता है बेटा तो 2024 के लिए 23 के लिए बेचेस शुरू हो चुके हैं नीट और आईआईटी दोनों में आप वहां पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड ए का लेक्चर शाम को सात बजे शेड्यूल कर लेते हैं ठीक है शाम को सात बजे रख लेते हैं आज उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे तो मैं कंप्लीट प्लान बनाकर आई शेयर विथ यू ऑल ठीक है तब तक के लिए लव यू गाइज़ बाय बाय टेक केयर पढ़ाई करते रहें हमेशा की तरह मचाते रहें और आ, मिलते हैं बेटा ठीक है अगली क्लास में कल सुबह जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करेंगे ठीक है और काफ़ी अच्छे से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल और उसके अलावा फ्लक्स वगैरह जितना कुछ हम आगे बढ़ा पाएंगे सारा कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलेगा इस बाय बाय टेक केयर एंड बी रेडी है ना क्लासेस तीन घंटे की होंगी थोड़ा उस हिसाब से रेडी हो